The class is being recorded now, so let's start the session. मैं अपनी वीडियो ऑफ कर देता हूँ तो इन केस कोई इश्यूज ना हो, और आप लोग भी प्लीज अपनी वीडियो ऑफ रखिएगा। क्वेश्चंस हम लोग जो हैं शीट पे लेंगे, मैंने शीट शेयर कर दी है, शीट का लिंक। अगर किसी और को शीट का लिंक चाहिए तो प्लीज अपने पार्टिसिपेंट्स, बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे ले लें। मैं सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। सो दिस सेशन इज अबाउट शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग। इसमें मुझे नहीं पता अभी जितने भी लोग हैं इस वक्त, विच आई थिंक तकरीबन 100+ हैं। उनमें से कुछ लोग मुझे जानते होंगे पहले से, कुछ लोग ये सेशन, काफी लोग ये सेशन ले चुके हैं, काफी सारे लोग नए हैं। ऑब्वियसली क्योंकि हम स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं तो वी आर अंडर द अजम्पशन के ज्यादातर नए स्टूडेंट्स होंगे। रिगार्डलेस आई एम स्टिल गोइंग टू असिस्ट एवरीवन। सो मेरा नाम मुइज़ खान है एंड आई एम सॉरी, शायद कोई मिसक्लिक हो गया है। और I have almost 7 to 8 years of experience in digital marketing. I started off my career from company Getz Tech. You guys might have heard of it, especially Karachi वालों ने शायद सुना हो Getz Tech के बारे में। It's a very well-reputed company. They have their own products जो उन्होंने खुद बनाए हुए हैं और international markets में पागलों की तरह बिकते हैं। जिसमें सबसे ज्यादा जो मशहूर प्रोडक्ट है उनका, उसका नाम है प्योर vpn, right? Guys, please अपनी वीडियो ऑफ कर दें। I would request you all to turn off your videos, please. Yeah. So pure vpn है, और भी काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मैं बता सकता हूँ, लेकिन just for the sake कि मैं अभी अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आप लोग से शेयर कर रहा हूँ, तो वो that's that. उसके बाद तकरीबन 2 साल Getz Tech में काम करने के बाद I realized के there was a need कि मैं खुद से, मुझे अपनी बेसिकली इनकम सोर्सेस बढ़ानी थी, मुझे और एरियाज में भी काम करना था। तो आई डिसाइडेड कि आई हैव, मतलब मैंने 2 साल में काफ़ी एक्सपीरियंस पकड़ लिया था। नॉर्मली एक इंसान जितना 2 साल में सिर्फ फोकस रहता है अपने जॉब टास्क के ऊपर, अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन जो भी उसको मिलती है कि मुझे सब अपना काम करना है, घर जाना है। मेरा ये होता था कि मैं लेट आवर्स रहता भी था, वहाँ पे सो भी जाता था। तो मतलब मेरा ये होता था कि यार मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ, और जितने लोग यूजली 2 साल में एक्सपीरियंस गेन करते हैं वो मैं 4-5 साल का एक्सपीरियंस विद इन 2 साल में गेन कर लूं और आगे बढ़ जाऊं। तो एज मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो कि पाकिस्तान की जो जॉब मार्केट है वो इस तरह की है कि यू गेट दैट 5 to 10 to 15% इंक्रीमेंट आफ्टर एवरी ईयर रिगार्डलेस ऑफ योर परफॉर्मेंस। यूजली हर कंपनी ऐसे फॉलो नहीं करती, एंड Getz Tech इज अ रिवॉर्डिंग कंपनी। हाउएवर मुझे फील हुआ था कि जितना मुझे पता था उससे काफी कम मिल रहा है। तो व्हाट आई स्टार्टेड वाज आई गॉट माई सेल्फ इनटू फ्रीलांसिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग, प्रिंट ऑन डिमांड एंड CPA मार्केटिंग विच इज अनदर काइंड। मतलब बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग में 2-3 टाइप्स, बहुत सारी टाइप्स होती हैं, जिसमें से एक और बहुत कॉमन होती है CPA मार्केटिंग। एंड दैट लेड मी टू अ लॉट ऑफ प्लेसेस। Having said this, I तकरीबन महीने भर पहले I left my job at MCBR as head of digital marketing, right? And I was actually looking at ROI marketing, direct return on investment, which is के हम लोग का पूरा funnel, मेरा काम होता था कि पूरा funnel बनाऊँ मैं from end to end, कि जैसे कि जो first interaction कस्टमर का है ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, एंड देन फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स हम उसको वहां से एक्वायर करके फेसबुक एड्स के थ्रू, गूगल एड्स के थ्रू, या ऑर्गेनिकली थ्रू SEO वगैरह, वहां से हम लोग उसको ग्रैब करके किस तरह हम लोग उसको अपना पूरे कस्टमर जर्नी से लेते हुए लेके जाएं, साइन अप वगैरह सब कुछ, और फिर उसको इन्वेस्टर बनाएं इन म्यूचुअल फंड्स। तो बेसिकली MCBR इज अ म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो वी वर हैंडलिंग roughly handling ad budget of around $40,000 per month recently, और फिर हम लोग की Facebook और Google से हर वीक, almost every week direct बात होती थी, so that added up a lot of experience as well. और finally I'm glad that I moved on to Extreme Commerce. Extreme Commerce में I'm a trainer, consultant. I'm also looking at different departments. I'm helping students in affiliate, specifically I started off my experience at Extreme Commerce by helping students at affiliate marketing, Kindle and dropshipping. And now I'm also involved in other departments as well. I'm assisting other departments as well. So that's pretty much it. So just before I start off with the course outline, it is advised, मुझे बताया हुआ है कि भाई when you're giving examples about what you've done, you have to relate some of those things, reflect back to your career ताकि लोगों को पता चले कि what you've done. So I'll just cover that जल्दी से. I don't want to prolong that anymore. I started off by creating my own pages. ये सबसे पहला experience था जब मैंने अपनी job छोड़ी थी और मैंने दो पेजेस बनाए थे Overwatch के नाम से और POTG Watch के नाम से, ये दो. और इससे ऊपर हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग करते थे. ये वो इसके ऊपर हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग करते थे. तो मैं अगर इफ आई कैन गेट द नंबर्स इन फ्रंट ऑफ यू गाइस, इट वाज बैक इन 2016 आई गेस, मे बी 18 तक था आल्सो. Yeah. So in almost, अगर आप देखें यहाँ पे रेवेन्यू जो आप देखें पर डे $35 है, पर डे $25, पर डे $26. It moved on to almost $200, $200, $123, $136 पर डे. Guys, please अपनी वीडियो ऑफ कर दें, मैं फिर आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बाकी लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं. थैंक यू. तो started earning around $200 per day, and this happened from तकरीबन जब मैंने स्टार्ट करा था 2016 सितंबर, अक्टूबर, मे बी नवंबर में, and almost 10 months का जर्नी रहा था. I would ask you to ignore these figures. Yeah, I would ask you to ignore these figures जो 0.0 में आ रही है, because ये trickle down impact होता है. But double figures तक मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ. Almost जैसे आप देख सकते हैं 2016 नवंबर से लेके और फिर 2017 ऑलमोस्ट सितंबर अक्टूबर तक हम लोग ने ये काम खत्म कर दिया था, एंड कर दिया था. तो ऑल इन ऑल इस पूरे टेन्योर में हम लोग ने कमाया, मेरे साथ मैंने फिर अपने साथ अपने एक दो दोस्तों को भी इन्वॉल्व कर लिया था, ऑलमोस्ट $37,000 कमाए. इसके अलावा एक दो और एफिलिएट प्लेटफॉर्म थे, तो अगर मिला जुला के बोलूँ तो तकरीबन हम लोग ने $50,000 बनाए थे 10 महीने में. एंड दिस वाज प्रॉफिट, रीजन बीइंग बिकॉज हम लोग का एसेट बना हुआ था, पेजेस बने हुए थे, उसके ऊपर हम लिंक्स शेयर करते थे, हमें आता था. तो आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स विद दैट. फिर जब हम लोग ने खत्म करा तो हम लोग ने ये दोनों पेजेस तकरीबन मिला के $18,000 के बेच दिए. यहाँ ये जो पेजेस थे, इन पेजेस से हम लोग ने ड्रॉप शिपिंग को भी बहुत अच्छे से एसोसिएट करा था. इन पेजेस के अराउंड ये पेजेस जिन निश में सर्व करते थे, उन निश के अराउंड हम लोग ने बेसिकली ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स भी खोले हुए थे. तो अच्छा खासा ट्रैफिक हम लोग अपने ड्रॉप शिपिंग स्टोर को भी भेजते थे. एक सेकंड में जरा चैट भी खोल लूं ताकि देखते रहूं. गाइस अपना कैम प्लीज ऑफ कर दो. या तो देयर इज लॉट मोर टू गो विद, और भी चीजें मैं शेयर कर सकता हूँ, लेकिन विद द फ्लो, क्योंकि आप लोग के साथ मेरी दो और डिफरेंट क्लासेस भी हैं तो काफी सारे रिजल्ट्स वहां पे भी शो कर दूंगा. तो दिस इज द ओवरऑल कोर्स आउटलाइन दैट वीड बी शेयरिंग, दैट आईड बी ट्रेनिंग यू विद. सो ये इंट्रोडक्टरी सेशन है, और इंट्रोडक्टरी सेशन और प्रोबेबली नेक्स्ट सेशन विल बी अबाउट मोस्टली अबाउट टू थिंग्स. मैं बता देता हूँ. नंबर वन, माइंडसेट. व्हाट आई ट्रूली बिलीव इज के माइंडसेट की ट्रेनिंग होना जरूरी है, बिकॉज विदाउट प्रॉपर माइंडसेट ट्रेनिंग तुम लोग उतर नहीं पाओगे. ज्यादातर लोग जब उनका माइंडसेट नहीं होता है तो दे डू नॉट इवन ऑप्ट इन फॉर ड्रॉप शिपिंग और अ लॉट ऑफ अदर ई कॉमर्स बिजनेसेस एज वेल और बिजनेस मॉडल्स एज वेल, राइट? तो which is why I believe के I have to go through this. थोड़ा सा तुम लोग की mindset training करना जरूरी है. मेरी आवाज distort हो रही है guys? No, ठीक है. Please अरसलान आप अपने end पे देख लें. और उसके बाद मैं तुम लोगों को ये बता दूंगा व्हाई शॉपिफाई शॉपिफाई एंड व्हाई नॉट WooCommerce। काफी लोगों के दिमाग में ये भी होता है कि मैं WooCommerce पे क्यों नहीं स्टार्ट लूं, WooCommerce वुड बी मोर इकोनॉमिकल फॉर मी। प्रोबेबली शायद ये सेशन में ना हो पाए, लेकिन आई विल डेफिनेटली ट्राई टू कवर एज मच एज आई कैन। तो दिस इज द ओवरऑल कोर्स आउटलाइन। तो just before I can head off to the section, I think मेरे गलत slide आ गई। I'll start off with here. This is the link to जो मेरा Shopify store होता था back in जब हम लोग start करा था back in 2015-2016। ये web archive का link है, ये मैं आप लोग के साथ still share कर देता हूँ chat पे, सही है? तो ये वेब आर्काइव का बेसिकली लिंक है। प्राइवेटली कर दिया मैंने, सॉरी। ये वेबसाइट खत्म हो चुकी है। तो होता क्या है, वेब आर्काइव एक वेबसाइट है जो करती है कि जब आपकी कोई साइट के काफी लंबे अरसे के लिए पॉपुलर होती है या अच्छी रहती है तो वो उसकी इमेजेस वगैरह जो है वो सेव कर लेता है, जस्ट सो दैट आप बाद में किसी को दिखाना चाहो या खुद देखना चाहो या पढ़ना चाहो, समझना चाहो अपने रिसर्च वर्क के लिए, तो आप देख सको। So this was a dropshipping store that we were running, and we scored approximately somewhat around. मैं आपको total sales बताऊंगा, not gross sales obviously. Around $128,000 or $129,000 in almost 8 months. That was in 2017, right? और उसके बाद हम लोग ने dropshipping store ये particular store हमने बंद कर दिया था। देन उसके बाद मैंने बहुत सारे ड्रॉपशिपिंग स्टोर्स चलाए हैं, अपने क्लाइंट्स के लिए ज्यादा चलाए हैं क्योंकि मैं फ्रीलांसिंग पे भी काम कर रहा था, और मैंने बेसिकली अपने खुद के भी चलाए, लेकिन 95% मैंने पार्टनरशिप पे चलाए। मैंने अकेले कोई भी नहीं चलाया ड्यू टू, क्योंकि मैं हमेशा इस चीज पे बस बिलीव रख रहा था कि थिंग्स शुड गो हैंड इन हैंड। ड्रॉपशिपिंग आई बिलीव अगर आप अकेले कर रहे हो ये तो बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है, और फिर इन टुडेज टाइम आप बिल्कुल एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम ड्रॉपशिपिंग को लेके चल सकते हो, बट आई वुड रिकमेंड दोज पीपल जिनके पास इन्वेस्टमेंट फ्रॉम तकरीबन $500 to $800 से लेके तकरीबन अप टू $2,000 तक है। मैं उनको बोलूंगा कि वो इसमें आ जाएं, वो आ सकते हैं इसमें, बट आइडियली मैं हर किसी को नहीं बोलूंगा कि वो अपना एज अ प्रीमियम सोर्स ऑफ इनकम रखें। देयर रीजंस, वो रीजंस आप लोग को समझ आ जाएंगे क्या चैलेंजेस होते हैं विद ड्रॉपशिपिंग। तो टाइम आपका बहुत ज्यादा लग जाता है। अगर उतना ही टाइम आप और जगहों पे लगा दो, आई एम नॉट सेइंग कि इसकी जगह, बट इसके साथ साथ और जगहों पे भी लगाओ तो आई थिंक आपके रिजल्ट ज्यादा अच्छे रीप होंगे। So the dropshipping models is pretty, अगर आप इस इमेज को देखें तो इट्स प्रिटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। एक कस्टमर जो है वो आपके स्टोर पर आता है, सही है? तो फॉर दोज पीपल हु डू नॉट नो व्हाट ड्रॉपशिपिंग इज, दिस इज फॉर दोज पीपल। कस्टमर आया एक स्टोर पर आपके, वो स्टोर आपका ऑब्वियसली कोई Amazon वगैरह पे नहीं है, आपका सेल्फ मेड स्टोर है, आपका अपना एक प्रॉपर लिंक होगा, ठीक है, आपका डोमेन होगा, होस्टिंग आपको Shopify खुद दे रहा होगा, उसकी जरूरत नहीं होगी। वो स्टोर पे आप एक अपना पूरा कस्टमर एक्सपीरियंस रखोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। ये स्टोर हम लोग ने पूरा बनाया था फ्रॉम स्क्रैच, एवरीथिंग। हमारे पास एक डिजाइनर होता था, हर चीज हम उससे बोलते थे कि भाई इस चीज का ख्याल रखो, सही है? वो जो स्टोर्स के ऊपर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे AliExpress या थर्ड पार्टी किसी साइट, मतलब थर्ड पार्टी साइट के प्रोडक्ट्स होते जो आप अपने स्टोर पे डिस्प्ले करते हो, और उसके ऊपर जो है ना आप अपना प्रॉफिट मार्जिन रखते हो। फॉर एग्जांपल ये 2 प्लस टॉयज आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, राइट, बाय 1 गेट 1 फ्री के। आई एम सेलिंग दीज प्लस टॉयज फॉर ऑलमोस्ट $20। AliExpress पे आप देखोगे तो अगर आप AliExpress पे जाके देखते हो तो ये 2 प्लस टॉयज क्यूमुलेटिव मिला के टोटल इनकी जो कॉस्ट मुझे पड़ रही है वो अप्रोक्सीमेटली $8 होगी, आई थिंक। क्योंकि मुझे याद है कि लेफ्ट वाला कितने का है, राइट वाला मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली तकरीबन आई वुड से $8 मुझे कॉस्ट पड़ी थी, एंड देन आई वाज सेलिंग इट फॉर $20। तो मैं बेसिकली ऑटोमेशन, बैक एंड पे ऑटोमेशन है, 1 क्लिक के थ्रू इस प्रोडक्ट को जो है अपने स्टोर पे लेके आता हूँ, और फिर मैं इसको बेसिकली इसकी ऑटोमेटिकली इसकी लिस्टिंग हो जाती है। थोड़ी बहुत मैं इसकी इमेज में चेंजेस करता हूँ, थोड़ी क्रिएटिव वगैरह डालता हूँ, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन डालता हूँ, और फिर आई स्टार्ट सेलिंग इट ऑन रेलिवेंट प्लेटफॉर्म्स यूजिंग फेसबुक एड्स, दिस व्हाटएवर दैट इज, जो भी आपके पास है, एसईओ वगैरह जो भी आपके पास है, ईमेल मार्केटिंग। एंड देन व्हाट हैपेंस इज कि कस्टमर उन चैनल्स के थ्रू मेरी वेबसाइट पे आता है, इनको खरीदता है। जब खरीदता है तो यहाँ से स्टेप 2 स्टार्ट होता है कि वो ड्रॉप शिपिंग सर्विस जो है, जो आपने ऑप्ट इन करी हुई है, वो बेसिकली व्हाट इज अ ड्रॉप शिपिंग सर्विस ओवर हियर। यहाँ पे 2 चीजें इन्वॉल्व होती हैं। जब आपका कोई भी प्रोडक्ट कस्टमर आके आपके स्टोर पे ऑर्डर करता है तो आपको ऑर्डर फुलफिलमेंट करनी होती है, राइट? कि आपको ऑर्डर प्लेस करना होगा AliExpress पे, तो वो मैनुअली नहीं होता, वो एक ऑटोमेशन टूल के थ्रू होता है, जो कि डिफरेंट बहुत सारे हैं। एक जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है उसका नाम ओबेरलो है, सही है? वो सारी चीजें मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ। तो कंसिडर दैट एज अ ड्रॉप शिपिंग सर्विस ओबेरलो, जो कि बेसिकली आपके स्टोर और सप्लायर के बीच में होता है। यू क्लिक ऑन ऑर्डर फुलफिलमेंट और ऑटोमेटिकली आपकी ऑर्डर फुलफिलमेंट होना शुरू हो जाती है। वो जाके सप्लायर्स को ऑर्डर करता है और वो सप्लायर्स बेसिकली आपके कस्टमर तक जो है प्रोडक्ट्स पहुंचा देते हैं। तो दैट इज the whole dropshipping model. If you want more clarity over it, I would ask you to just go through this particular slide one more time ताकि आपको समझ आ जाए। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा आप लोग को और ज्यादा क्लैरिटी आती रहेगी, ठीक? So the pros of dropshipping are low risk business. You only have to pay goods sold to customers. There's no need to buy bulk inventory. मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग AliExpress पे जाके जो है आप सिर्फ वो प्रोडक्ट, जो एग्जांपल दे रहा हूँ, प्रोडक्ट जो AliExpress पे वो अपने स्टोर पे जाके अपने डिस्प्ले कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप लोग जो है ना इन्वेंट्री खरीद रहे हो, सही है? तो आपकी वहां पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लग रही। एग्जैक्टली, लो कॉस्ट है। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द एड कॉस्ट एस्पेक्ट, बट अगर मैं सिर्फ स्टोर खड़े करने की बात कर रहा हूँ तो अप्रोक्सीमेटली आपका लेस देन $50 to $100 में आपका सारा काम हो जाएगा। सिर्फ स्टोर, अगर आप खुद से पूरा स्टोर खड़ा कर रहे हो तो आपका लेस देन $50 to $100 में पूरा स्टोर खड़ा हो जाएगा। डिपेंडिंग आपका स्टोर कितना बड़ा है, इस वजह से मैंने बोला कि थोड़ा सा वेरी कर सकता है कि $50 से $100, $50 से कम में भी खड़ा हो सकता है, लेकिन आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट एज ऑफ येट। ऑटोमेटेड बिजनेस, जैसे मैंने आपको बोला, इसमें ऑटोमेशन बहुत ज्यादा होती है। कोई भी प्रोडक्ट जो आपके स्टोर पे ऑर्डर प्लेस होता है, वन क्लिक पे वो ऑर्डर फुलफिलमेंट पूरी उसकी हो सकती है। सिमिलरली बहुत सारे एरियाज जो हैं वो भी आप ऑटोमेट कर सकते हैं थ्रू थर्ड पार्टी एप्स और विजिट्स जो कि Shopify पे होती हैं, इफ यू ऑप्ट इन फॉर इट। एंड पोटेंशियल टू चेंज योर लाइफ अराउंड, बट आई एम टॉकिंग अबाउट दोज 1 to 2 or 3% पीपल, नॉट फॉर एवरीवन। अच्छा, सो व्हाई एम आई सेइंग दिस? 1 to 3% लोग हैं, they aim for high profits up to $2,000 to $5,000 per month, सही है? If you're aiming, और मैं आप लोग को जिस एस्पेक्ट से पढ़ा रहा हूँ ये, I'd be asking you to focus around $500 to $1,000 तक का profit per month, and I'd be assisting you in regards to that। मैं scalability की तरफ जाऊंगा, हाँ मैं वो बाकी चीजें भी educate करूंगा, but I'll be sticking towards ज्यादा इस एरिया की तरफ के $500 से $1,000 आप लोग के बन जाए पर मंथ, एंड इजी टू स्टार्ट। प्रोडक्ट्स कैन बी इंपोर्टेड क्विकली, ये मैं आप लोग को पहले बता चुका हूँ। सो व्हाट कॉस्ट डू यू इनकर रफली? इट्स द Shopify कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, बट यूर नॉट एक्चुअली, आप एडवांस में नहीं पे कर रहे हो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट। जैसी बात है, जब ऑर्डर प्लेस होता है, लेट्स सपोज प्रोडक्ट की कॉस्ट $10 की थी, आप $20 का ऑर्डर प्लेस हुआ, कस्टमर ने दिए $20, $10 आपकी प्रॉफिट नहीं हुआ। उस $10 में से कुछ आपकी एड कॉस्ट भी माइनस होगी, Shopify कॉस्ट भी माइनस होगी। ऑब्वियसली आपके बल्क में होंगे ऑर्डर्स, तो Shopify कॉस्ट माइनस होगी। $20 आपके पूरे प्रॉफिट नहीं होंगे, $10 प्रोडक्ट की कॉस्ट माइनस होगी। ऐप कॉस्ट होंगी, कुछ आप एप्स इंटीग्रेट करोगे। अलबत्ता इसके कुछ वे अराउंड भी हैं, इस ऐप कॉस्ट इतनी ज्यादा आपकी नहीं आएगी, लेस देन $30 to $50 आनी चाहिए। ओबेरलो एक सर्टेन महीने तक तकरीबन फ्री होता है, उसके बाद ये जो आपसे फीस चार्ज करता है वो भी मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगा। PayPal की फी, डिपेंडिंग किस कंट्री में आपके पास पेपल है, तो मैंने यहाँ पे एक जनरलाइज कर दिया है, तकरीबन 2.9% जो है वो पेपल काटता है, और फिर शिपिंग कॉस्ट होती है आपकी। शिपिंग कॉस्ट जो होती है, अगर आप अली एक्सप्रेस पे फॉर एग्जाम्पल आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करके अपने स्टोर पे डाल रहे हो, तो इट वेरीज। अगर आप ई पैकेट सेलेक्ट कर रहे हो तो बहुत सारे ई पैकेट जो आपका शिपिंग वो होता है कैरियर होता है, तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स के ऊपर फ्री होते हैं और बहुत सारे डॉलर्स पे अप टू $1 to $1.5 तक होता है, तो ये ज्यादा नहीं होती। ठीक है, तो यू हैव टू कीप दोस थिंग्स इन माइंड, बिकॉज ज्यादातर लोग क्या करते हैं, आई एम गोइंग बैक टू दैट प्रीवियस स्लाइड, कि जब दे गोइंग इनटू ड्रॉपशिपिंग बिजनेस दे टेंड टू फॉरगेट, मतलब वो करते क्या है। अच्छा, सो आई शोड यू एन एग्जांपल कि $8 की प्रोडक्ट थी जो मैंने अली एक्सप्रेस से इंपोर्ट करी, एंड आई वाज सेलिंग इट फॉर ऑलमोस्ट $20, राइट। इसमें थोड़ा सा एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, अब आप लोग ये नहीं कर सकते, सही है। आप ये चीज कर सकते थे बैक देन इन 2016, 17, 18 में भी, बट नॉट नाउ। अगर $10 की प्रोडक्ट है तो यू हैव टू सेल इट अराउंड $30 एटलीस्ट, सही है, बिकॉज एक्सटर्नल कॉस्ट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है। ड्रॉप शिपिंग हैज बिन इवॉल्विंग ईयर ऑन ईयर, और अभी भी बहुत ज्यादा तेजी से इवॉल्व हो रहा है। A lot of people say that it's dead, it's not dead, it has just evolved, सही है। और if you don't keep these things in mind, अगर आपकी calculation सही नहीं होगी, आप ये समझ रहोगे कि आप बहुत अच्छा profit margin कमा रहे हो। Let's suppose $10 की product के ऊपर आपने $15 रख के आप बेचना शुरू हो गया, आपने बोला oh my god भी तो $5 की profitability हो रही है, आपकी $5 की profitability नहीं हो रही, आप नुकसान में जा रहे हो, आप अपने जेब से पैसे भर रहे होगे उस चीज के लिए, right? And like I said, is dropshipping saturated? So if you look at the last 5 years mark on Google trends, it is definitely not saturated. It's just that challenging हो गया बहुत ज़्यादा, and challenging यूँ हो गया क्योंकि बहुत सारे लोग opt in कर रहे हैं, और जब ज़्यादा mind एक चीज के ऊपर opt in करते हैं तो उसको बेहतर करने के जो उस मॉडल को बेसिकली, अगर 10 लोग इन्वॉल्व हैं, आप लोग में से 10 लोग आते हैं, तो आप लोग में से 10 लोग ये रियलाइज करेंगे कि यार शिट, मुझे बाकी 9 लोगों से, एक बंदा रियलाइज करेगा मुझे बाकी 9 लोगों से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करना है, इफ देयर इन द सेम लिस्ट फॉर एग्जांपल, तो वो अपने स्टोर को ज्यादा बेहतर करेगा, राइट, ज्यादा बेहतर अप्रोचेस रखेगा, ज्यादा बेहतर करेगा। तो व्हाट हैपेंस इज चीजें बहुत चैलेंजिंग हो जाती हैं, तो द कस्टमर्स ओवर टाइम रियलाइज के ठीक है, कस्टमर्स नो फॉर अ फैक्ट कि वो ड्रॉपशिपिंग स्टोर से खरीद रहे हैं, दे डू नॉट केयर के वो अली एक्सप्रेस पे क्यों नहीं जाके खरीदे। आई नो बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा कि ड्रॉपशिपिंग कैसे अच्छी हो सकती है जब वही प्रोडक्ट अमेजोन और अली एक्सप्रेस पे हाफ प्राइस पे मिल रहे हैं, तो ड्रॉपशिपिंग स्टोर से क्यों ले रहे हैं। लोग लेते हैं रिगार्डलेस, उनको बहुत सारे लोगों को पता भी होता है कि वो ड्रॉपशिपिंग स्टोर से ले रहे हैं, बट द वन रीजन इज बिकॉज दे हैव द बाइंग पावर एंड देयर सो मेनी अदर रीजंस एज वेल। सो ऑल इन ऑल dropshipping itself is evolving और लोग ज्यादा बेहतर से कर रहे हैं, and you just have to keep realistic expectations from dropshipping, सही है। So people think कि वो यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स पे जाके यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं उनकी, और उन्होंने देख ली लैम्बोर्गिनी के साथ खड़े हुए हैं, इसके साथ खड़े हुए हैं, जो भी, they fall into wrong traps, they fall into wrong direction, के they start expecting way too much कि मैं आज स्टार्ट करूंगा and I'll be jumping off to $5,000 to $3,000 monthly profit very easily. That's not the case. Dropshipping is not that easy. It becomes easy once you invest right amount of time into this business model, and then that's when you start expecting कि चलो ठीक है यार मैं अब जो है अच्छा करूंगा। So like I said, 95 to 99% people fail. The reason is, I'm sorry, let me please have some water. Excuse me. Camera off, please. जी फवाद, इंशाल्लाह आप लोग को सेशंस के बारे में, आई थिंक कैलेंडर आप लोग के साथ शेयर हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली आप लोग के साथ कैलेंडर शेयर नहीं हुआ, आई एम सॉरी अबाउट दैट। मेरा सेशन वैसे ये 3 बजे होना था, ये 3:30 बजे इस वजह से स्टार्ट हुआ बिकॉज मेरे पावर आउटेज था और मैं आ नहीं सकता था. हाउएवर ठीक, तो आप लोग के साथ इंशाल्लाह शेयर हो जाएगा. तो द रीजन व्हाई पीपल फेल, मैंने अभी एक आप लोग को बताया रॉन्ग एक्सपेक्टेशन, एंड बाकी रीजंस मैं आप लोग को दिखा देता हूं. ग्रीड मैं आप लोग के साथ शेयर कर चुका हूं. फॉल्स एक्सपेक्टेशंस भी मैं आप लोग को बता चुका हूं कि लोग ये समझते हैं कि मैं आऊंगा इस मॉडल में, ये बहुत आसान है, कोई मसला नहीं है. मैं तो हर यूट्यूबर को देख रहा हूँ कि वो $30,000 $1 मिलियन भी मंथ में स्कोर करके बैठा हुआ है, तो मैं भी कर लूंगा, इसमें कौन सा मसला है. ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. ये आप लोग को समझ आ जाएगा विद टाइम, जैसे जैसे मैं आप लोग को बताऊंगा. लैक ऑफ रिसर्च एंड लैक ऑफ एफर्ट, ये दोनों, बोथ ऑफ दीज थिंग्स गो हैंड इन हैंड. तुम लोग लैक ऑफ एफर्ट करोगे इन द रिसर्च पार्ट ऑफ द ड्रॉप शिपिंग, तुम लोग रह जाओगे. एंड दिस गोज फॉर एवरीवन. मैं तुम लोग को मैक्सिमम नॉलेज देने की कोशिश करूंगा, बट अगर तुम लोग बोलते हो कि यार क्या वो भी एक बंदा है हमारी ईसी कम्युनिटी में, ही नोज इनफ नॉलेज एज वेल, गो एंड टेक इट फ्रॉम हिम एज वेल. इसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है. द रीजन इज कि अगर तुम लोग एक लिमिटेड हद तक बस रहते हो और सिर्फ एक लिमिटेड रिसर्च करते हो, इसमें तुम लोग बैकफायर हो जाओगे. उसका रीजन ये कि लेट्स सपोज मैं अभी ड्रॉप शिपिंग ऑन एंड ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है. अभी मैं किसी के साथ अभी भी मिलके कर रहा हूँ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, अल्लाह का शुक्र वी आर प्रॉफिटेबल. However, the thing what happens is के जिसके साथ मैं अभी कर रहा हूं, they stepped into drop shipping with lack of knowledge. उन्होंने बस कुछ YouTube videos देखी थी और what happened was it backfired. उनको ये नहीं पता था कि Facebook ads कैसे रन करने, और अगर Facebook ads में वो शुरू में profitable थे, within 3 days time lack of, मतलब due to वो उनके basically profit margins जो है कट डाउन होना शुरू हो गए, because विद टाइम हायर सीपीसी हुआ, हायर सीपीएम हुआ, उनको स्केल करने नहीं आए एड्स कैसे स्केल करने हैं, एंड दे वर आउट. एंड ड्यू टू दिस ह्यूज डीमोटिवेशन होती है, और फिर बंदा बोलता है यार मैं नहीं कर रहा ड्रॉप शिपिंग, मैं नहीं आ रहा इस बिजनेस मॉडल में. तो अगर आप गलत कदम उठाओगे, अगर आप गलत स्टेप्स लोगे, तो ऑटोमेटिकली आपको डिस्करेजमेंट होगी, आप लोग बाहर हो जाओगे, ठीक है. Not benchmarking the best. Obviously, you have to benchmark the best. So you should know कि कौन profitable है, and what matters in every business is, be it Amazon PL, be it Amazon wholesale, eBay, drop shipping, print on demand. You have to figure out कि market में 1,000 लोगों में से वो कौन चंद 5 लोग हैं, उनकी वो स्ट्रेटजीज क्या हैं कि जिसकी वजह से दे आर प्रॉफिटेबल. बिकॉज ट्रस्ट मी, अगर 100 लोग हैं और 100 में से 5 प्रॉफिटेबल हैं, वो 95 जो है ना, अगर आप उनको फॉलो कर रहे हो, आप भी उनके साथ लॉस में ही रहोगे. इट गोज फॉर एवरी बिजनेस, इट्स जस्ट नॉट जस्ट वन. सो यू हैव टू फाइंड आउट दैट वन स्ट्रेटजी दैट इज वर्किंग फॉर दोज 5 एंड नॉट वर्किंग फॉर दोज 95. सही है. एंड रॉन्ग निश सिलेक्शन, ये भी एक बहुत बड़ी वजह होती है कि या रॉन्ग प्रोडक्ट सिलेक्शन, निश सिलेक्शन बोलूँ या ज्यादा बेहतर यहाँ पे रहेगा कि प्रोडक्ट सिलेक्शन. सही है. अगर आप लोग की पुअर प्रोडक्ट रिसर्च होगी, पुअर प्रोडक्ट सिलेक्शन होगी, वो प्रोडक्ट सैचुरेटेड होगी, पहले ही ड्रॉपशिपर्स, बहुत सारे ड्रॉपशिपर्स मिलकर उस प्रोडक्ट को बेच चुके हैं, तो देयर इज नो पॉइंट टू इट. सही है. यूर आउट. एंड व्हाट अल्टीमेटली हैपेंस इज दैट यू गिव अप. आप लोग का विनिंग माइंडसेट नहीं होगा. यू हैव टू डेवलप दैट विनिंग माइंडसेट दैट इफ यू आर एट इट समथिंग, goes for PL, goes for wholesale, goes for drop shipping. If you're sitting right now watching this training session right now, and if you're thinking about opting in for drop shipping, you have to have that winning mindset. You have to think like कि मैंने give up नहीं करना जब तक I start being profitable, because उसका और reason मैं आपको अभी future में देता हूँ. Not going into these things right now because ये थोड़ा सा मैं आगे को करा हुआ है, because the dip, ये मैं थोड़ा सा skip करके इस तरफ आया हूँ. मैंने कोई ज्यादा important information skip नहीं करी है. आप लोग मेरी slides के through जा सकते हो, slides में आपके साथ share कर दूंगा. The dip होता क्या है कि when you don't have a winning mindset, ये dip एक बहुत मशहूर concept है जो कि basically इस सेथ गोर्डन ने ये बुक लिखी हुई है. आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू गाइस ऑलरेडी नो, ही इज अ ह्यूज इन्फ्लुएंसर इन डिजिटल मार्केटिंग. So what he says is, and this is true for every model, when you first start your journey down a path, there is a lot of reward. Actually, आपको feel भी होने लगता है. अब मैं आप लोग को example देता हूँ, and this happened with me as well. लेकिन I wouldn't want you to repeat the same mistakes. I won't like the fact कि आप लोग same pitfalls में गिरो जिसमें मैं गिरा. So I will try to help you through all of this as much as I can. When you first start your journey down a path, there's a lot of reward. जब आप start करोगे dropshipping store, फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोग एग्जाम्पल दी थी, $10 का प्रोडक्ट था, आप $5 पर रखते हो. आप इस चीज की कैलकुलेशन नहीं करते कि आपकी कितनी कॉस्ट इनकर हो रही होगी, आपको इस चीज का एक्सपीरियंस नहीं है, आपकी सेल्स आना शुरू हो जाती हैं. यू फील दैट यू बीइंग रिवॉर्डेड, सही है, बट दैट इज नॉट द केस. कहीं ना कहीं आप बेसिकली आप उस वक्त आप एक हफ्ते तक अच्छा खासा पैसे लगाते हो, बोलते हो माई गॉड मेरे तो $5 का प्रॉफिट हो रहा है, और फिर उसके बाद डाउन द लाइन एक हफ्ते एक महीने के बाद यू रियलाइज के oh God, ये मैंने क्या कर दिया, and I've incurred a lot of cost, और मेरे जेब से पैसा गया उल्टा, मैंने कैलकुलेशन नहीं करी थी चीजों की, and that's when the dip happens, सही है. and उस वक्त फिर आप प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा देते हो, और फिर आप नए प्रोडक्ट्स टेस्ट आउट करने लगते हो, और फिर यू स्टिल फील कि अब मैं ज्यादा रिवॉर्ड नहीं ले पा रहा हूँ, या मेरे प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छे नहीं हो पा रहे हैं. आई एम अनएबल टू बेसिकली फाइंड दैट वन प्रोडक्ट जो मुझे प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ लेके जाए, और उस वक्त आपको ये लगता है कि आपकी एफर्ट वर्सेस द रिवॉर्ड बिकम्स, एफर्ट बहुत ज्यादा है और रिवॉर्ड कम है. तो वो जो आपकी एफर्ट उस वक्त लग रही होती है, दैट इज बेसिकली इन योर एक्सपीरियंस इन द रिसर्च वर्क के वेयर आर यू गेटिंग रॉन्ग, सही है. सो इफ यू गिव अप somewhat over here, जहां पे मैं mouse over कर रहा हूं, that's when you start feeling like crazy. I mean you feel के you know what, I should quit this model, I shouldn't proceed with this anymore, and probably you miss out on the chunk जहां से आप actually आपकी effort versus जो reward है, आपकी reward takes into place. वो जो है बेसिकली आपके लिए वहां से मॉडल रिवॉर्डिंग होना शुरू हो जाता है, आप उससे पहले क्विट कर देते हो, एंड यू मिस ऑन द स्वीट स्पॉट जहां से आपको एक्चुअली रिवॉर्ड मिलना शुरू हो जाता है. तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप उस पॉइंट पर क्विट नहीं करो, या इनफैक्ट अगर आपको क्विट करना ही है तो क्विट ओवर हेयर जहां पे आपको बहुत ज्यादा रिवॉर्डिंग लग रहा था. बट यू इफ यू क्विट समवेयर आफ्टर द डिप और बिफोर यू एक्चुअली स्टार्ट गेटिंग द रिवॉर्ड एक्चुअली, तो it won't actually matter. You have to go through that push jahan pe jana aapko ye feel ho ke nahi yaar mere paas wo relevant experience aa gaya, mere paas wo relevant winning strategy aa gayi hai, jiske baad ab one after another main jo hu na jeetunga aur mera paisa banega. Actually this goes for every model, theek hai. So same goes for this last one, the compound impact. So this goes hand in hand with the concept of reward, the dip concept. What happens is, and ये भी एक बहुत मशहूर मॉडल है, the compound effect. आपने compound interest के बारे में सुना होगा. Similarly ये उसी चीज को follow करता है, right? So what choices, behavior and habits you adopt would result in your success towards any model, right? So that would impact your income, your health, your relationships, happiness and success in life. So what small choices do you have to make? Kitni consistency chahiye aapko is business model mein, kitna time aapne invest karna hai, would actually result in the exponential growth. It goes for dropshipping as well. Log dropshipping mein failure rate zyada hai, success rate kam hai, lekin jo success rate hai agar wo $500 banane pe aa jata hai, wo phir zyada bhi banane lag jata hai. मैं आप लोग को यहाँ पे ये कह के वो $3,000 प्रॉफिट भी बनाना शुरू कर देता है. ये कह के मैं आप लोग को ओवर एक्साइट नहीं करूंगा, बिकॉज लोग करते हैं, लेकिन दे एक्चुअली ग्रैब ऑन टू दैट मिसिंग नॉलेज जो कि फेलियर्स के पास नहीं होती, तब जाके वो बनाना शुरू करते हैं. तो यू हैव टू मेक श्योर कि यू हैव टू इन्वेस्ट टाइम, रेगुलर टाइम इनटू ड्रॉपशिपिंग, सही है. कंसिस्टेंसी होनी चाहिए रोज। यू हैव टू, अगर आपने सोचा भाई कि मुझे विनिंग प्रोडक्ट्स हंट करने, तो आपको विनिंग प्रोडक्ट्स डे ऑन डे आउट ऑन रेगुलर बेसिस हंट करने हैं। यू कैन नॉट स्किप द स्केड्यूल, यू कैन नॉट स्किप एंड से कि नहीं मैं किसी तरह कोई शॉर्टकट अपना लेता हूँ। देयर इज नो शॉर्टकट टू इट, सही है। और दैट्स प्रीटी मच इट। यू हैव टू मेक श्योर कि यू हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ बजट इन एट हैंड। आपको अगर पता हो कि भाई $500 के साथ मुझे विदिन $500 मुझे 3 प्रोडक्ट्स को टेस्टिंग करनी है, 5 प्रोडक्ट्स को टेस्टिंग करनी है, मुझे एक विनिंग प्रोडक्ट निकालना है $500 के साथ, उसके बाद ही यू कैन कम अक्रॉस कि हाँ यार चलो ठीक है अब मेरे पास विनिंग कोई प्रोडक्ट आ गया है। बजट से रिलेटेड मैं बाद में आप लोग से डिटेल में बात करूंगा कि एग्जैक्टली इन्वेस्टमेंट बजट आप लोगों को कितना चाहिए, बिकॉज मैं पिछली सेशन वालों के साथ भी बात कर चुका हूँ, इट रियली वेरीज। मैं आप लोग को एक पर्सनल एग्जांपल दे देता हूँ, लर्निंग टू मेक माय फर्स्ट सेंट थ्रू ऑनलाइन बिजनेस सिंस आई वाज 24। ये मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि मैंने एक पेज से स्टार्ट किया था। वो पेज जो था बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, फेसबुक पेज की बात कर रहा हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग के लिए मैंने स्टार्ट करा था, लेकिन आई हैड नो आइडिया कि ये कमा के देगा। दैट वाज द फर्स्ट थिंग दैट आई एवर स्टार्टेड ऑन माय ओन। हम लोग ने वो पेज तकरीबन 3 महीने या पता नहीं कितने अरसे एग्जैक्टली चलाया और समथिंग लाइक दैट, और फिर उसके बाद कोई उसके रिजल्ट्स नहीं थे। ये यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, दिस पॉइंट 24 की एज पे मैं, सही है, कुछ ना कुछ कमा रहा था, लेकिन वो बहुत चंक्स और बहुत छोटी अमाउंट होती थी कि वो मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग वर्थ द एफर्ट नहीं थी। बट देन अगेन आई वाज पुटिंग ऑल दैट एफर्ट कि मैं कभी प्रॉफिटेबल हो जाऊं। आई यूजुअली डिड यूज टू क्विट on what I was doing on and off, but I tried to stay focused. It was until about 26 or 27 when I started actually earning hefty amount of profit, and that was through Facebook page. 12,000 रुपए मैंने कमाए थे 3 या 4 महीने के बाद। एक Facebook page से एक बंदा आया था, उसने बोला था मेरी ये पोस्ट शेयर कर दो, और फिर मैं तुमको हर दिन तुम्हें मेरी एक पोस्ट शेयर करनी होगी और मैं तुमको 12,000 रुपए दे रहा हूँ इस चीज के। And I was really excited कि यार मतलब किसी ने finally एक commit करा है कि month on month वो मुझे pay करेगा। And after almost and I'm being realistic over here, तकरीबन 3 महीने के बाद उस point से 12,000 रुपए मिले वो मुझे, और 3 महीने के बाद ही मुझे एक बड़ी offer मिली थी, और वो मुझे directly 3 महीने के बाद $5,000 पे ले गई थी। तो ये मैं आप लोग के साथ share कर चुका हूँ। Actually these are bit outdated, ये are almost $37,000 थे। So stop the lazy routine and watch one course or one video on daily basis. Repeatedly भी आपको देखना पड़ेगा जो content मैं आपके साथ share करूँगा। Trust me, जो content अभी आगे आएगा, कुछ चीजें थोड़ी सी mind boggling भी होगी, तो बहुत ज्यादा tiring भी होगी सोचने के लिए, because बहुत ज्यादा focus चाहिए होता है when you're teaching yourself कि किस तरह Facebook एड्स काम करेगा, Google एड्स काम करेगा, इंटीग्रेशन कैसे होती है, ओबेलो में ऑर्डर प्रोसेसिंग कैसी होती है। जब आप इन सारी चीजों की तरफ जा रहे होते हो तो आपका माइंड बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट भी हो रहा होता है सोच सोच के, अच्छा ठीक है मुझे समझ नहीं आया, मुझे वीडियो फिर से देखनी है, फिर से समझना है। तो यू हैव टू गो थ्रू दीज थिंग्स ऑल द टाइम। यू हैव टू हंट विनिंग प्रोडक्ट्स। इफ यू आर पार्टनरिंग अप विद समवन, लेट्स सपोज आप हो और आपके साथ कोई और, एक और बंदा है, तो यू हैव टू डिवाइड द टास्क, सही है। One person has to focus on product hunting, the other one has to focus on probably pushing the products in the store, running Facebook ads and Google ads and focusing on ROI marketing. That would actually result in the compound effect. And yeah, that's pretty much it. This is a quote by, you need to be doing fewer things for more effect instead of doing more things with side effects. So yeah, I'm going to skip this part, and I'm just going to land on WooCommerce versus Shopify. Since this is just an introductory session, I'm going to end this with WooCommerce versus Shopify. क्यों Shopify की तरफ मैं लेके जा रहा हूँगा, and why not WooCommerce, right? So things you should ask yourself: which one requires least startup money? एक सेकेंड। गाइज मैंने आप लोग के साथ क्वेश्चन जो आप लोगों को करने हैं प्लीज शीट पे कर लो, मैंने शीट शेयर कर दी है, शीट पे कर लो जो भी क्वेश्चन करने हैं। सही है, आप लोग कर भी रहे हो, ठीक है। Which one requires least startup money? These are some of the questions that you should be asking yourself. I know ये dilemma होता है जब आप dropshipping का मैं आपको business model पढ़ा रहा हूँ, this is specially for the newcomers, तो आप लोग को ये भी नहीं पता होगा कि मुझे सवाल क्या पूछना है exactly, ठीक है। तो सवाल सबसे ज्यादा तब जनरेट होना शुरू होते हैं जब आप उस चीज में जरा पढ़ना स्टार्ट करते हो, उसको स्टार्ट करते हो एक्चुअली में। Which will cost you the most money in the long term? Which is cheaper if you plan on opening multiple stores? Which is easiest for beginners to use? And what has the best dropshipping plugin? These are some of the questions that you should be asking yourself. So yeah, or so which one requires the least startup money? Hands-on, इसमें Shopify जीत जाता है। स्टार्टअप मनी की बात कर रहा हूं, पहले धक्के के लिए सबसे कम पैसा किसमें स्टार्ट होगा लगेगा, दैट इज डेफिनेटली Shopify, बिकॉज व्हेन यू गोइंग विद WooCommerce और वर्डप्रेस यू हैव टू बाय योर ओन होस्टिंग, फिर डोमेन के तो कोई खास पैसे नहीं होते, डोमेन लेना पड़ेगा, और फिर जब आप होस्टिंग ले रहे होते हो तो एटलीस्ट, मतलब मैं अपनी बात बता रहा हूँ, एटलीस्ट मैं $100-120 मेरे शायद लगे थे ओवरऑल पूरे पैकेज के साथ। तो मैंने उस इतनी की होस्टिंग ली थी, सस्ती होस्टिंग मिलती है, आई एम नॉट गोइंग टू डिबेट ओवर दैट ऑब्वियसली, सस्ती होस्टिंग्स मिलती हैं $60 की, $70 की, बट अगर आप ब्लू होस्ट या किसी प्रॉपर जगह से लो जो रिलायबल जगह हो तो वहाँ पे थोड़ी सी महंगी मिलती है, लेकिन फिर उतनी ज्यादा सेफ आपके सिक्योरिटी के कंसर्न्स खत्म हो जाते हैं। तो Shopify का कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं होता, Shopify इज अ वेरी सेफ प्लेस। तो $29 पर मंथ सब्सक्रिप्शन है एंड $15 पर ईयर डोमेन आपने फॉर एग्जांपल ले लिया है, एंड दैट इज जस्ट अबाउट इट। सही है। हाउएवर ये जो पर मंथ है, दिस इज वेयर WooCommerce विंस। व्हिच विल कॉस्ट यू द मोस्ट मनी इन द लॉन्ग टर्म? अगर लॉन्ग टर्म में देखो तो वो जो $29 पर मंथ आप स्टार्टिंग कॉस्ट दे रहे हो, बिल्कुल Shopify इस पर जीत जाता है, लेकिन $29 मंथ ऑन मंथ आपको देना है, तो ये दैट बिकम्स अप्रोक्सीमेटली $348। सही है। Whereas WooCommerce में जो आप स्टार्टअप कॉस्ट आपकी चल रही है वही आपकी टोटल एंड कॉस्ट है जो आप उसके साथ दे रहे होगे, अनलेस कि आप कुछ पेड प्लगइन्स वगैरह की तरफ जाते हो, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूं अगर आप WooCommerce के लिए ऑप्ट इन करते हो तो दैट इज द टोटल कॉस्ट दैट यू विल इनकर। हैविंग सेड दिस, ये मैं सिर्फ वर्डप्रेस स्टार्टअप कॉस्ट की बता रहा हूँ, इसके साथ फिर मैं Shopify और WooCommerce में बाकी कॉस्ट नहीं बता रहा कि Oberlo कितने लेगा और ड्रॉपिफाइड यस जो WooCommerce में जो बेसिकली ड्रॉपशिपिंग प्लगइन यूज होता है वो कितने लेगा, अभी आई विल कम टू दैट। व्हिच इज चीपर इफ यू प्लान ऑन ओपनिंग मल्टीपल स्टोर्स? WooCommerce। WooCommerce की अच्छी बात ये है, आपने एक होस्टिंग ले लिए, आपने 5 स्टोर्स बनाने, आप 5 स्टोर्स बना दो, कोई मसला नहीं है। $29 पर मंथ यहाँ पे स्टोर आपका विद Shopify के यू कैन ओनली मैनेज $29 पर मंथ, मतलब आपको 3 स्टोर्स और खरीदने तो $29 इंटू 3 और कर दें आप, तो आपकी ये कॉस्ट पड़ेगी। WooCommerce की एक होस्टिंग आपने ले लिया, उसके ऊपर आप 5 स्टोर्स भी खोल दो, उसके ऊपर कोई मसला नहीं है, ठीक है। हैविंग सेड दिस, व्हिच इज इजीएस्ट फॉर बिगिनर्स? हैंड्स डाउन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप Shopify, मैं आप लोग से सिर्फ इतना बोलता हूँ, Shopify का जब आप स्टोर आप अभी जाके ट्रायल अकाउंट खोलो वो 3 महीने के लिए आपके लिए फ्री होगा। आप कोविड टाइम में इन्होंने बेसिकली आके 3 मंथ्स के लिए फ्री कर दिया है। तो आप Shopify का स्टोर खोलो, Shopify 3 मंथ्स के लिए फ्री होगा और आप इसके साथ खेलना स्टार्ट करो, आपको विद इन अ डे पूरा सिस्टम समझ आ जाएगा। दो मैं आपको वॉक थ्रू कर रहा हूँ Shopify को कैसे यूज करना है, लेकिन विद इन अ डे आपको पूरा सिस्टम समझ आ जाएगा कि Shopify कैसे काम करता है, ठीक है। तो WooCommerce का क्या है, आपको पहले सबसे पहले वर्डप्रेस समझना है, ठीक है, उसके सारी जितनी भी नेविगेशन है वो आपको समझनी है, विच इज आई एम नॉट सेइंग कि वो डिफिकल्ट है, वो भी इजी है, बट इफ यू ले योर फर्स्ट साइट ऑन वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म, अगर आप पहली बार देखते हो वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म को और फिर आप पहली बार आप देखते हो Shopify को, दोनों को कंपेयर करो, उसके डैशबोर्ड को, आप बोलोगे डेफिनेटली बहुत सॉर्टेड आउट है Shopify इन एवरी एस्पेक्ट, बहुत ज्यादा सॉर्टेड आउट है। तो कोई भी लेमैन फर्स्ट डे में भी मैं समझता हूँ कि Shopify को सीख सकता है, ठीक है। नाउ व्हाट हैज द बेस्ट ड्रॉपशिपिंग प्लगइन? अगर आप तो ड्रॉपशिपिंग प्लगइन देखें, दिस इज जो लोग मेरी पहले वीडियोस देख चुके हैं उनके लिए ये थोड़ा सा डिबेटेबल होगा, बिकॉज ओबेरलो जो है वो ऑप्शंस आपको देता है कि आप अली एक्सप्रेस के साथ कर लो। ओबेरलो बेसिकली ओबेरलो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा गूगल करना पड़ेगा, मैं आपको बता भी दूंगा। ओबेरलो बेसिकली जैसे अली एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट होता है, उस तरह कोई जहां तक मुझे लास्ट टाइम याद है 4 से 5 और प्लेटफॉर्म है जिनके साथ इंटीग्रेट होता है। I do not remember the names किन-किन के साथ होता है, but ओबेरलो Shopify के साथ है क्योंकि WordPress के साथ नहीं इंटीग्रेट होता। ये Shopify का प्लगइन है, Shopify पे मिलता है। तो when we talk about ओबेरलो, तो let's compare few things। अच्छा, तो when WooCommerce के साथ AliDropship होता है, ठीक है। Shopify पे और भी है, WooCommerce पे भी और भी है, लेकिन Shopify पे सबसे मशहूर है ओबेरलो, WooCommerce पे सबसे मशहूर है AliDropship। तो ओबेरलो इज Shopify itself is seamless, ये मैं आपको पहले ही बता दिया। WooCommerce whereas Shopify एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। WordPress उससे आप कंपेयर करोगे, WordPress एक प्लेटफॉर्म है। Shopify पे आप एक प्लगइन इंटीग्रेट करते हो जिसका नाम है ओबेरलो, जो आपकी ऑटोमेशन लाता है ड्रॉपशिपिंग में, और प्रोडक्ट्स को AliExpress से इंटीग्रेट हो जाता है जिसमें आप 1 क्लिक पे प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर लेते हो AliExpress से। ऐसे ही WordPress पे एक प्लगइन है जिसका नाम है WooCommerce, लेकिन WooCommerce से आप ड्रॉपशिपिंग सर्विस या ड्रॉपशिपिंग प्लगइन आप इंटीग्रेट नहीं करते। WooCommerce पे आपको एक और प्लगइन डालना होता है विच इज AliDropship। तो इट्स लाइक अ प्लगइन विद इन अ प्लगइन, ठीक है। तो वो WordPress पे एक इंटीग्रेट होता है प्लगइन विच इज WooCommerce, उसके साथ एक और प्लगइन इंटीग्रेट होता है AliDropship, और AliDropship फिर बेसिकली AliExpress को इंटीग्रेट करता है आपके स्टोर के साथ, ठीक है। तो आई मीन अब आप जब ये खुद सोचो फॉर अ मोमेंट कि जब इतनी सारी चीजें होंगी एट द सेम टाइम तो वो ग्लिची हो सकता है। तो WooCommerce पे लोगों को ग्लिचेस फेस होते हैं, और एक जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि ग्लिचेस आते हैं, हर जगह आते हैं। हो सकता है आपको कभी, मुझे कभी फेस नहीं हुआ, हो सकता है आपको कभी Shopify पे ग्लिच फेस हो, लेकिन जब ग्लिच किसी जगह पे फेस होता है तो आपकी कम्युनिटी होती है जहां पे आपको या तो उस प्लेटफॉर्म के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स आपको हेल्प करते हैं, या तो कम्युनिटी जो लोग हैं आपके जैसे जो उन्होंने ये पहले प्रॉब्लम फेस किया होता है, फिर वो आपको उसका सोल्यूशन बता देते हैं, तो वो लोग हेल्प करते हैं। Shopify की बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, वेयरएस WooCommerce की एज सच कोई ऑफिशियल कम्युनिटी नहीं है। अगर आप जाके गूगल पे भी लिखो Shopify कम्युनिटी आपको मिलेगी, WooCommerce की मिलेगी, लेकिन WooCommerce की आई लास्ट टाइम जो मैंने सर्च करा था आई डेंट फील के कोई ऑफिशियल कम्युनिटी है, सही है। तो WooCommerce के लिए लोग इधर उधर रेडिट पे इधर उधर बात कर रहे होते हैं, वैसे Shopify पे एक प्रॉपर कम्युनिटी Shopify की उनकी अपनी, और वहां पे सारी बातें चल रही होती हैं, और वहां पे तो आपको हर तरह के सवाल जवाब मिल जाएंगे, और वहां के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स आके बात करते हैं। वेयरएज मैंने कभी देखा नहीं है कि WooCommerce के कोई ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स आके बकायदा आपकी हेल्प करें। सो हैविंग सेड दिस, Shopify पे फर्स्ट 50 सेल्स, तो अच्छा अगर आप ओबेरलो इंटीग्रेट करते हो 50 सेल्स आपकी पहले फ्री हैं, ओबेरलो आपसे कुछ चार्ज नहीं करेगा, ठीक है। वेयरएज अगर आप AliDropship करते हो, लास्ट टाइम जो मैंने फी चेक करी थी इट वाज $89 स्ट्रेट ऑफ। अगर आपको AliDropship यूज करना है आपको $89 पे करना है, देयर इज नो इफ्स एंड बट्स टू दैट, सही है। तो दैट्स एडिशनल फी ऑन टॉप ऑफ दैट, तो दैट्स अनदर से के यहाँ पे एक पॉजिटिविटी है। आई नो दैट देयर इज मोर इन्वेस्टमेंट मंथ ऑन मंथ, बट आई थिंक यहाँ पे माशाल्लाह जो लोग बैठे हुए हैं उनकी पॉकेट्स अच्छी हैं, दे कैन अफोर्ड दैट, तो आई थिंक दैट शुडंट बी अ प्रॉब्लम। Shopify पे अच्छी बात यह है कि प्लस 70 पेमेंट गेटवेज हैं, और WooCommerce के साथ और WordPress के साथ एक और मसला यह है कि आपको पेमेंट गेटवे भी का प्लगइन डालना होगा, प्रॉब्लम नहीं बल्कि यस पेमेंट गेटवे का भी प्लगइन आपने डालना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। सो Shopify इज अ प्लेटफॉर्म, इट्स नॉट अ प्लगइन। WooCommerce whereas इज अ प्लगइन, ठीक है। तो व्हेन आई से दिस, Shopify के पास एक ह्यूज टीम है, बहुत बड़ी इनकी टीम है जो Shopify प्लेटफॉर्म को डे इन डे आउट बेहतर बनाने के लिए कर रही है, आप लोग के लिए, हमारे लिए, ठीक है। और इट्स नॉट अ प्लगइन, ठीक है। प्लगइन्स जो हैं आप भी एक डेवलपर को हायर करो और वर्डप्रेस के ऊपर वो प्लगइन बना सकता है, ठीक है। कोई दो लोग या तीन लोगों की टीम नहीं है, ये एक बहुत बड़ी टीम है। वेयर WooCommerce itself, इसकी भी अपनी बड़ी टीम होगी क्योंकि अच्छा कमा रहा है WooCommerce, लेकिन देन अगेन बाय द एंड ऑफ द डे इट्स अ प्लगइन, इट्स नॉट अ प्लेटफॉर्म। Shopify was made for e-commerce, whereas WordPress it was not specifically made for e-commerce. It's a hybrid platform. आप सर्विसेज बेच सकते हो, आप e-commerce प्रोडक्ट्स बेच सकते हो, आप ड्रॉप शिपिंग एक अलग हो गया, आप अपने प्रोडक्ट्स भी बेच सकते हो, आप लैंडिंग पेज बना सकते हो फॉर एनी पर्टिकुलर बिजनेस और ऑब्जेक्टिव, और आपको ईमेल कलेक्ट, सपोज आप कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, कोई सर्विस नहीं बेच रहे, आपको सिर्फ ईमेल कलेक्ट करनी है, उसके लिए आपने एक लैंडिंग पेज बना दिया वर्डप्रेस पे। तो वर्डप्रेस इज बेसिकली यूज फॉर मल्टीपल पर्पसेस एंड इज अमेजिंग प्लेटफॉर्म हैंड्स डाउन, नो मतलब कोई इसमें वो नहीं है, कोई शको शोभा नहीं है कि वर्डप्रेस इटसेल्फ इज एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म, बट Shopify इट वाज मेड फॉर इट्स सोल पर्पस टू सर्व एज एन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम Shopify विंस ओवर दैट for e-commerce experience. अगर Shopify नहीं होता तो हम ये कहते कि नहीं definitely WordPress के साथ चले जाएं, लेकिन Shopify definitely hands on यहाँ पे जीतता है। तो that's pretty much it. कुछ चीजें मैं यहाँ पे मैं और भी ऐड कर देता हूँ कोर्स आउटलाइन में, जो हम लोग फॉलो कर रहे होंगे मैं इसको ऊपर डाल दूंगा। सो ये इन्फ्लुएंसर एड्स, फेसबुक एड्स ब्लूप्रिंट, गूगल एड्स ब्लूप्रिंट, सप्लाई स्ट्रेटजी एंड अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, और भी बहुत सारी चीजें होंगी। तो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर टुडे। इन्फ्लुएंसर एड्स और फेसबुक एड्स की मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दी है, वो इंशाल्लाह वीबीसी पे भी आप लोगों के पास अवेलेबल हो जाएगी कंटिन्यूएशन में। इन्फ्लुएंसर एड्स की भी मैंने पहली वीडियो निकाल दी है, एक मिनट रुकिएगा, वो भी इंशाल्लाह आप लोग के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द, आई थिंक मे बी, आई एम नॉट टू श्योर, मेरे थोड़ा सा नेक इश्यूज हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है मुझे, जिसमें अभी भी मैं आप लोग से बात करूं नेक में ये मेरे साथ रहेगा फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, फिर वेरी लॉन्ग टाइम। तो आई नो पिछले वाले जो हैं, जो पहले मेरा कोर्स ले चुके हैं, उनको पता है कि मैं एक बहुत लंबे तकरीबन 2 महीने की ब्रेक पे गया था मैं, और दिस बेसिकली रिजल्ट्स इन माय लेफ्ट आर्म, मेरे बेसिकली फ्रोजन शोल्डर हो गया था, पूरा लेफ्ट आर्म बहुत ज्यादा मेरा दर्द था। बहरहाल चीजें बेहतर है, आई एम गोइंग थ्रू फिजियोथेरेपी एंड ऑल, लेकिन दिस विल स्टे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो दैट्स इट, तो लेट्स हेड ऑन टू क्वेश्चंस। एक मिनट रुकिएगा। जी जी बिल्कुल, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ओके, सो जी, कैन वी डू ड्रॉप शिपिंग विया अमेजॉन? यस, यू कैन डू ड्रॉप शिपिंग विया अमेजॉन। अच्छा, सो आई विल टेल यू समथिंग अबाउट ड्रॉप शिपिंग विया अमेजॉन। मैं अभी तो मतलब मैं बता रहा हूँ आप लोग को, ड्रॉप शिपिंग विया अमेजॉन पीपल डू इट, लेकिन उसमें, और मैं इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा, मैं या तो मैं कवर करूं या मैं किसी ट्रेनर को ढूंढ रहा हूं आजकल जो ड्रॉप शिपिंग थ्रू अमेजॉन के ऊपर स्पेसिफिकली कवर कर ले इस एरिया को, बिकॉज आई डोंट हैव द कैपेसिटी और द टाइम टू वर्क ऑन सो मेनी थिंग्स एट द सेम टाइम। पिछले वालों को भी पता होगा अच्छा खासा कि मेरे पास चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। मैं अभी आ रहा हूँ, आई एम कमिंग टूवर्ड्स दैट, पेमेंट गेटवे वगैरह सारी चीजें। तो ड्रॉप शिपिंग via Amazon के लिए थोड़ा सा मैं एक चीज बता दूं, लोग करते हैं, फायदेमंद होती है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन जो मैंने सुना है ड्रॉप शिपिंग via Amazon में आपकी बैन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं फॉर सम रीजन, आई डोंट नो, शायद कुछ लोग यहाँ पे कर रहे हो वो इस चीज को जस्टिफाई करें, लेकिन मैंने सुना है। तो लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, या तो मैं कवर करूंगा, अभी नहीं, इन द लॉन्ग रन में भी, या तो मैं किसी ट्रेनर को आजकल ढूंढ रहा हूँ जो कि इसको जिसको मैं हेल्प करूं, जो इस चीज, इस पूरे एस्पेक्ट को कवर कर ले। ठीक है, मोहम्मद इरफान का बहुत अच्छा सवाल है, माय 2Checkout अकाउंट रिक्वेस्ट हैज बीन डिक्लाइंड बिकॉज आई डोंट हैव पेड हिस्ट्री। ओके, लेट्स कवर दिस, ये मैं अब यहाँ पे बताता हूं, और इसका मैं बेसिकली पोस्ट बनाना चाह रहा हूँ, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा, मैं बिल्कुल लॉक्ड हुआ हुआ हूँ टाइम के मामले में, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ आप लोग को क्योंकि अभी मेरे पास मौका है। देखिए जब आप 2Checkout, पहली बात मैं इस पे दो चीजें शेयर करूंगा। पहली चीज 2Checkout का ये मसला जिसके पास लोग आ रहे हैं कि 6 महीने के आप पेड हिस्ट्री दिखाएं। देखिए पहली चीज 2Checkout एक ऐसा पेमेंट गेटवे है जो बहुत टफ है इन टर्म्स के वो आपको अप्रूव करे, ठीक है। 2Checkout के मेरे 2 अकाउंट अप्रूव हुए हुए हैं और मेरे तकरीबन शायद कोई आप लोग इन लोग का क्राइटेरिया चेंज होता रहता है ओवर अप्रूवल। मेरे 1 अकाउंट अप्रूव हुआ था बैक इन 2016, फिर मैंने दूसरा अकाउंट शायद अप्रूव कराया 2018 में। इट्स 2020 एंड वी आर नियर 2021। देयर पॉलिसीज चेंज डे इन डे आउट विद टाइम। इनकी बहुत लीनियंट थी बैक इन 2015 और 16, फिर 2018 में थोड़ी डिफिकल्ट हुई, अब एक्सट्रीम डिफिकल्ट हो गई है। पहली चीज हमसे ये कोई 6 मंथ्स की हिस्ट्री नहीं पूछते थे इवन 2018 तक, आप ये सवाल कर रहे हैं तो अब इसका जवाब क्या है। देयर स्टूडेंट्स जिन्होंने अप्रूव करा दिया फॉर ड्रॉपशिपिंग स्टोर, इसका जवाब यह है कि पहली चीज तो ये कि आप लोग ने बताना ही नहीं है कि आप लोग का ड्रॉपशिपिंग स्टोर है, पहली चीज। दूसरी चीज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग का स्टोर एक ब्रांडेड स्टोर की तरह दिखना जरूरी है। एक ब्रांडेड स्टोर की तरह दिखना जरूरी है। मैं इसकी एग्जांपल इंशाल्लाह दूंगा, अच्छा बल्कि इनफैक्ट मैं दे देता हूँ। और ये आप लोग ने मेरी वीबीसी की वीडियोस में भी देखा होगा, क्या नाम था, इंस्पायर अपलिफ्ट। मैं आपको बताऊं इंस्पायर अपलिफ्ट अगर अप्लाई करते हैं ना 2Checkout के लिए, इंस्पायर अपलिफ्ट को यूं मिलेगा। आप लोग का ब्रांडेड स्टोर होना जरूरी है। अगर आप लोग का ब्रांडेड स्टोर नहीं होगा या आप लोग की लुक एंड फील एक ब्रांडेड स्टोर की तरह नहीं होगी, 2Checkout आपको नहीं देता। क्योंकि 2Checkout हैज अ लॉट ऑफ कंसर्न्स के उनका जो कस्टमर एक्सपीरियंस है, जो लोग लेट्स सपोज आपके 2Checkout वो हुआ है, इंटीग्रेट हुआ है, जो लोग जाके 2Checkout के थ्रू वो कर रहे हैं चेकआउट कर रहे हैं, दे शुड हैव अ फील कि यार जिस स्टोर पे मैं आया हूं दिस इज हैंड्स डाउन बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है, इसका बहुत सीमलेस है, आराम से मैं चेकआउट पे पहुंच रहा हूँ, कोई हैसल्स नहीं है, हर चीज एक्सप्लेन्ड है, राइट। एंड हैविंग सेड G. So, sorry, I'm sorry. ये म्यूट हुआ कब है? I don't understand. ये म्यूट हुआ क्यों है? मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा. ओके चलो ठीक है. आई एम सो सॉरी, आई हैव नो आइडिया ये म्यूट कैसे हुआ. आई थिंक मेरे कीबोर्ड पे कोई चीज टच हुई है या क्या हुई है. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. ओके सो आई वाज ऑन द सेकंड क्वेश्चन और आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन के बारे में आई थिंक आई एम सो गॉड आई हैव नो आइडिया क्योंकि मैंने ना कोई क्लिक किया था म्यूट के ऊपर ना कुछ किया था एंड आई हैव नो आइडिया ये कैसे म्यूट हुआ है. एक सेकंड रुकिएगा जरा. ओके I'm so sorry, guys. खैर, I'll continue. I cannot start from question number one. मैं यहाँ पे सब लोग तो बोल रहे हैं question number two पे था मैं. या तो देखिए मैं आप लोग को बता देता हूँ वो मैंने question number two पे कम से कम 10 से 15 मिनट मैंने बात करी है. Sorry यार, मैं थोड़ा सा short कर देता हूँ इस चीज को. मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है ये हुआ क्या है. गॉड खैर चलें मैं स्टार्ट करता हूं. तो 2Checkout देखिए 2Checkout के बारे में मैं थोड़ा आप लोगों को बता देता हूं. म्यूट तो नहीं हूं सही है. सो 2Checkout का ये है कि काफी लोगों को डिलेमा फेस हो रहा है कि वो ये बोल रहे हैं कि पिछले 6 महीने का आप अपना जो है ना मुई साहब आवाज आ रही बिल्कुल भी बहुत हल्की से आवाज आ रही है. मैं समझा नहीं आपने क्या बोला है लेकिन आई एम एज्यूमिंग कि आप बोले कि हल्की आवाज आ रही है आपकी. लेकिन आई थिंक मेरी आवाज अब क्लियर है. आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दिस. और मैं बार बार म्यूट की तरफ देख रहा हूँ कि म्यूट तो नहीं हूँ मैं, तो आई एम श्योर कि मैं म्यूट भी नहीं हूँ. सही है. सो तो मैं 2Checkout के बारे में बता देता हूँ गाइस. 2Checkout का मसला ये है कि वो बोलता है कि 6 महीने का आप अपना जो है ना डाटा दिखाएं. ठीक है, मैंने ये बात कहीं बोली थी, बिल्कुल मैंने ही बोली थी कि भाई 2Checkout का आपको बोलना है कि ड्रॉप शिपिंग आप कर रहे हो तो वो फिर आपसे वो प्रॉब्लम वो चीज नहीं मांगेगा कि भाई अच्छा आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो. तो अब 2Checkout वाले अब ड्रॉप शिपिंग वालों को स्ट्रेट ऑफ रिजेक्ट कर रहे हैं, पहले नहीं करते थे. अब इनकी नई पॉलिसी है. अब जैसी बात है मैं तो 2Checkout में नहीं बैठा हुआ लेकिन मेरे 2 अकाउंट्स हैं बेसिकली 2Checkout के, एक 2015-16 से और एक 2018 का. उस वक्त ये लोग आप ये बोलते भी थे ना कि मेरा 2Checkout का अकाउंट सॉरी मेरा ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस है और ये वो कुछ भी नहीं बोलते थे. वो बोलते थे ठीक है कोई इशू नहीं आप ये चीजें दे दें. अब इन्होंने बहुत डिफिकल्ट कर दिया है, चीजें इवॉल्व हो जाती हैं डे ऑन डे. बिकॉज हम लोग बेसिकली 2015-16 में थे उस वक्त बहुत आसान था. 2018 में थोड़ा सा मुश्किल पॉलिसीज हुई. 2020 एंड वी आर नियर टू 2021 नाउ. तो चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती हैं, पॉलिसीज डिफिकल्ट हो जाती हैं. 2Checkout को बेसिकली ड्रॉप शिपिंग से इशूज ये हैं कि लोग फ्रॉड बहुत ज्यादा करते हैं. तो इस वजह से 2Checkout वालों की ये पॉलिसी आई कि नहीं भाई अब ड्रॉप शिपिंग को सपोर्ट ही नहीं करना. तो अब 2Checkout के बारे में मैं आप 2 से 3 चीजें बताऊंगा. मैं आप लोग को अगर अप्रूव कराना है तो वो आप करें. पहली चीज आप लोग ने ब्रांडेड स्टोर बनाना है. सही है. और तभी मैंने ये खोल के बैठा हुआ और अपनी मैंने कितना लंबा एक्सप्लेन करा है, मैं फिर बताता हूँ. तो बेसिकली 2Checkout पेमेंट गेटवे है. पहले तो मैं आप लोग को ये बता दूं जिन लोगों को नहीं पता. आप लोग बेसिकली स्टेप 1 आप लोग का यही होगा कि आप लोग जो है ना अकाउंट क्रिएशन करोगे Shopify पे और अपने जो है ना वो पेमेंट गेटवेज बनाओगे. तो पेमेंट गेटवेज से रिलेटेड आप लोग को हमेशा जाना है अरसलान के सॉरी जैन के पास. ही इज द एक्सपर्ट. हाउएवर 2Checkout के लिए आप लोग ने अनाउंस नहीं करना कि 2Checkout जो है उसका पेमेंट गेटवे पहली बात आप लोग के लिए प्रायोरिटी नहीं है. आप लोग के लिए प्रायोरिटी है PayPal एंड Stripe नंबर 1. नंबर 2 टू चेकआउट को आपने बताना नहीं है कि आपका ड्रॉप शिपिंग बिजनेस है, आपने नहीं बताना। नंबर 3, आपका एक बहुत चौकस, बहुत अच्छा ब्रांडेड स्टोर होना जरूरी है विथ एवरीथिंग इन प्लेस, शिपिंग, रिटर्न्स, कॉन्टेक्टर्स, ये वो सारी चीजें, आपके सोशल मीडिया लिंक्स, एक एक चीज आपकी जगह पर होना जरूरी है। अगर नहीं होगा, आपका एड्रेस, आपका नंबर, आपका कॉन्टेक्ट, ये चीजें नहीं होंगी। अगर पर्सनल आकर बोलेंगे ना gmail.com, कभी भी टू चेकआउट नहीं करेगा। टू चेकआउट इज वेरी स्ट्रिक्ट विद देयर पॉलिसीज। 3, टू चेकआउट के लिए जब आप अप्लाई कर रहे हो तो यू ऑल्सो हैव टू मेक श्योर कि ये कुछ चीजें मांगेंगे फिर आपसे। अगर आपको इन चीजों से जाने दिया तो फिर आपसे बोलेंगे कि अब आपने ये चीजें दिखानी है। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, प्रूफ ऑफ स्टॉक, वो बोलेंगे प्रूफ ऑफ स्टॉक बताए थे, सही है। अब आप बोलेंगे प्रूफ ऑफ स्टॉक मैं कहां से लाऊं? मैं बताता हूं। मेरे 4-5 स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने बेसिकली अब ये नई तरीका बताया था और उनके लिए काम कर गए। वो क्या होता है कि वो लोग बेसिकली प्रूफ ऑफ स्टॉक के लिए अपने कोई इमेज उठा लेते हैं गूगल से या कुछ करते हैं और वो बेसिकली उसकी पिक्चर्स उनके पिक्चर्स उठाते हैं और फिर वो दिखा देते हैं। वो बेसिकली डब्बे होते हैं, अब वो डब्बों में कुछ भी रखा हुआ आप उनको नजर नहीं आ रहा, लेकिन उन लोगों को बेसिकली एक चीज पता चल जाती है कि ओके यार चलो स्टॉक इनके पास रखा हुआ है। फिर वो आपसे मांगेंगे कि प्रूफ कि आपने स्टॉक खरीदा हुआ है, उसकी कोई रिसीप्ट या कोई चीज। तो उसके लिए मेरे उन स्टूडेंट्स ने जो है बेसिकली अब फेक रिसीप्ट बनाई और उनको वो एज पिक्चर दिखा दी। अभी मैं आई एम जस्ट कमिंग टू दैट। मुझे पता है काफी लोग सोच रहे होंगे कि इतनी खच्चरखोरी एक्चुअली करनी पड़ेगी कि जी बिल्कुल करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद ये आता है कि आपकी कंपनी जो रजिस्टर्ड है, आपको रजिस्टर्ड कंपनी दिखानी है, मतलब प्रॉपर रजिस्टर्ड कंपनी, उसका आप प्रूफ दोगे। और फिर जहां से वो कंपनी ऑपरेट कर रही है उसकी प्रूफ ऑफ ओनरशिप, या फिर उसका लेट्स सपोज अगर कोई लैंडलॉर्ड है, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करा हुआ तो वो प्रूफ, उसकी पिक्चर। आई एम टेलिंग यू दिस फॉर अ फैक्ट, ये आप लोगों को दिखाना पड़ेगा और वो पूछेंगे आपसे। अगर आप अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट में ये सारी चीजें देते भी हो साथ ही साथ, तो फिर वो एक ज्यादा अच्छा एक इमेज आपकी बिल्ड हो जाती है, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड। और कुछ फॉर्म्स हैं जो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा, कुछ A3 फॉर्म या पता नहीं कौन से फॉर्म्स होते हैं, वो भी आप लोगों को शायद दिखाने पड़े, तो जाके टू चेकआउट करेगा। अब मैं आपको बताता हूं, इज इट वर्थ इट? नो, इट्स नॉट वर्थ इट। टू चेकआउट के लिए आपने नहीं जाना। क्यों? देखें, जब ड्रॉप शिपिंग थोड़ा सा एक रिस्की बिजनेस भी है इन टर्म्स कि जब आप अली एक्सप्रेस से अगर आप कर रहे हो, आपको क्या पता है, चाहिए आप रिव्यूज देख लेते हो एक सप्लायर को ऑनबोर्ड लेने से पहले, लेकिन लेट्स सपोज कोई आपने सप्लायर लिया, उसने अपने पास फेक रिव्यूज डाले हुए 100 फॉर एग्जाम्पल, और आपने उसके लिए ऑप्ट इन कर लिया। हर सप्लायर ऐसा नहीं होता, मेजोरिटी नहीं होते, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ। आपने ऑप्ट इन कर लिया, उसने पिक्चर कुछ दिखाई हुई है, भेज कुछ रहा है फॉर एग्जाम्पल, या बहुत पुअर क्वालिटी की चीज भेज रहा है, आपके रिटर्न्स और रिफंड ज्यादा आना शुरू हो जाता है। टू चेकआउट आपको वहीं रिजेक्ट कर देगा। फिर से अगर आप एक्सेप्ट भी हुए होंगे ना, टू चेकआउट विल कास्ट यू आउट, बोलेंगे भाई नहीं चाहिए आपका, हम नहीं कर रहे आपके साथ काम। तो टू चेकआउट जो है ना, बहुत स्ट्रिक्ट अपने पॉलिसीज के साथ। शॉपिफाई, आपने पेपैल और स्ट्राइप के साथ रहना है, इन दोनों को इंटीग्रेट करना है, आपकी प्रायोरिटी यही है। आप जहन से पूछिए, बिल्कुल पूछिए याद से कि भाई हम लोग को बेसिकली शॉपिफाई में बिजनेस करना है, प्लीज हमें सिखा दें कि शॉपिफाई बिजनेस, ये 3rd सवाल का आंसर बता रहा हूं मैं। शॉपिफाई बिजनेस पेपैल हमने बनाना है और स्ट्राइप बनाना है, वो हमने इंटीग्रेट करना है, प्लीज हमें बता दे। पर्सनल के साथ देयर इश्यूज, पर्सनल मत बनाए, ठीक है। उनके बहुत ज्यादा सवाल होते हैं, पर्सनल आपका कुछ दिनों के लिए इंटीग्रेट होगा, उसके बाद फिर उनके सवाल पे सवाल आएंगे और फिर यहाँ पे थोड़े से आपको इश्यूज कुछ फेस होंगे। तो मैं आपको पहले से बता रहा हूं, आपने पेपैल बिजनेस वैसे अगर आपने बना दिया तो आपकी क्रेडिट कार्ड पेमेंट भी हो जाएगी, उसके साथ आपकी पेपैल पेमेंट भी हो जाएगी, फिर आपको शायद स्ट्राइप की जरूरत ना पड़े। लेकिन अगर आप आई थिंक पहले मैं बेसिकली पेपैल पर्सनल भी यूज कर चुका हूं, मैंने रिसेंटली पेपैल पर्सनल पेपैल नहीं लगाया, लेकिन बैक इन 2016-17 पर्सनल पेपैल स्ट्राइप के साथ चलता था। हाँ, उन्होंने कुछ चीजें मांगी थी, वो हमने प्रोवाइड कर दी थी, लेकिन जो क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स थी उसके लिए हमको फिर स्ट्राइप इंटीग्रेट करना पड़ा था। पेपैल बिजनेस का सबसे अच्छी बात यह है कि वो बाकायदा क्रेडिट कार्ड की आई थिंक पेमेंट्स का सेक्शन अलग से दिखाता है। तो पेपैल के थ्रू आई नो क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स होती हैं, लेकिन यू हैव टू गो इनटू द पेपैल प्लेटफॉर्म, उसमें होता है ऑप्शन। बाय नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स विद दैट, सो दैट प्रीटी मच सम्स इट अप। आई होप आप लोग को ये बात समझ आ गई हो जी। तो अच्छा, तो ऑल्टरनेट देखिए मैं आप लोग को बोलूंगा ऑल्टरनेट टू चेकआउट, हाँ ठीक है, एक और एक आया है मार्केट में, मैं आप लोग को वो बता दूंगा, कवर करना है मुझे, वो मैंने अपने पास टास्क में डाला हुआ है। लेकिन अभी आप लोग ने कुछ नहीं सेलेक्ट करना, बार बार हर चीज के साथ प्रॉब्लम आएंगे, बार बार एक चीज प्रॉब्लम में फेस करने से बेहतर ये है कि आप एक परमानेंट सोल्यूशन के लिए ऑप्ट इन करें, विच इज कि आप पेपैल और स्ट्राइप की तरफ जाइए बस, ठीक है। और सिर्फ स्ट्राइप के साथ नहीं जा सकते आप, सिर्फ क्रेडिट कार्ड पे, क्योंकि 70% पेमेंट्स विल कम थ्रू पेपैल। गाइस एक सेकंड जरा, ओह जी। अच्छा सो यहाँ पे हसन का जो सवाल है वो बेसिकली शॉपिफाई पेमेंट से रिलेटेड है और कुछ चीजों से रिलेटेड है, फेसबुक एड, गूगल फर्स्ट। हसन मेरा बीबीसी में कोर्स रखा हुआ है, ड्रॉपशिपिंग के लास्ट 2-3 सेक्शन अगर आप देख लोगे तो आपको फेसबुक एड्स का आइडिया हो जाएगा, लेकिन वो इनकम्प्लीट है, मैं मेरी और वीडियोस आ रही हैं तो वो भी आप देख लीजिएगा तो आपको और समझ आ जाएगा। तो ये हो गया, और आई गेस बाकी चीजें इसको कुछ सवाल प्लीज आप लोग इस सेशन से रेलेवेंट रखें, आप लोग आगे आगे पूछेंगे तो फिर वो दूसरे लोग कंफ्यूज होते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आप लोग को जब शॉपिफाई का गो थ्रू करवा रहा हूँ तो बहुत सारे सवालों के जवाब आपको वहीं मिल जाएंगे। M17 का क्वेश्चन है, माय क्लाइंट हैव अ क्लोथिंग ब्रांड एंड डू ही डू FBA ऑन Amazon। ओके ठीक है, and doing pretty good with sale, ठीक है। Can I sell products on Shopify and orders can be shipped from the warehouse? Yes, you can do that. There are integrations, but I won't be covering that as of yet. Amazon, Shopify, dropshipping on Shopify through Amazon, ये वाला aspect के लिए मैं कोई एक trainer ढूंढ रहा हूँ जो मेरे साथ मेरी help कर दे, because I do not have the capacity to cover that. सही है, मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ जो मेरी हेल्प कर दे, जिसके साथ मिलकर हम लोग ये कोर्स कंटेंट बना लें और सब कुछ कर लें। तो आई वोंट बी कवरिंग दैट एज ऑफ येट, मे बी अगर मैं चीजें जल्दी कवर करता हूँ, अगर रहा तो फिर मैं कवर कर लूंगा, लेकिन आई डाउट इट बिकॉज आई ऑलरेडी हैव टू मच ऑन माई प्लेट। तो मैं अभी फिलहाल ड्रॉप शिपिंग थ्रू AliExpress एंड अगर मेरे पास दूसरे वो हुए CJ dropshipping वगैरह तो वो मैं दिखा दूंगा, लेकिन फिलहाल AliExpress के थ्रू मैं चीजें लेके चल रहा हूँ, ठीक है। कैन वी हैव पर्सनल पेपैल फॉर पेमेंट, ये मैं सवाल का जवाब दे चुका। विच पेमेंट मेथड इज बेस्ट फॉर रिसीविंग फंड्स फ्रॉम Shopify, ये भी मैं जवाब दे चुका। इसका सो सर कैन यू प्लीज एलैबोरेट हाउ टू टेक Shopify फ्रीलांसिंग फॉरवर्ड। बिल्कुल, ये मैं आप लोग को बता दूंगा। मैं आप लोग को बता दूं कि मैं बेसिकली फाइबर पे भी काम करता था, मैंने क्विट कर दिया है फाइबर पे काम करना। एक सेकंड रुकिएगा जरा, एक सेकंड रुकिएगा, मैं जरा जी वापस शेयर कर रहा हूं मैं। तो ये मेरा फाइबर का अकाउंट है, इस पे मैंने ड्रॉप शिपिंग सर्विसेज बहुत ज्यादा बेची हैं, मैंने ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स भी खड़े करे हैं। अगर आप देखें इस कोर्स को समझने का एक और बहुत बड़ा फायदा, आप ये बोलते हो यार नहीं मैंने तो नहीं करनी ड्रॉप शिपिंग, सही है, यू आर मिसिंग आउट अनदर अपॉर्चुनिटी। मुझे पता है किचन इनकम, लेट्स सपोज शायद यहाँ पे कुछ लोग जॉब कर रहे हो, तो चलो मैं ये एज्यूम कर लेता हूँ उनकी किचन इनकम वहां से बन रही है, ठीक है, क्योंकि मेरी खुद की तकरीबन 4 से 5 सोर्सेज ऑफ इनकम है और मैं उनको बड़े अच्छे से मैनेज कर रहा होता हूँ, लेकिन मैं बहुत ज्यादा ओवर ऑक्यूपाइड भी होता हूँ। तो लेट्स सपोज मैंने एक बात कर ली कि आप जॉब कर रहे हो, आपकी वहां से एक रेगुलर मंथली इनकम आ रही है जिससे आप किचन इनकम चला रहे हो, आपने अब अपनी एक और इनकम बढ़ानी है, इनकम सोर्स बढ़ानी है, तो आपने उसके लिए ठीक है Amazon PL कर लिया, आपने बोला कि ये मेरा एसेट होगा, तो चले वो हो गया। तीसरी आपने एक और इनकम बढ़ानी है जो कि आप ये बोलते हो कि यार अगर मैं Amazon PL कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, या होलसेल कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, मुझे वर्चुअल असिस्टेंट्स की फी, जो वर्चुअल असिस्टेंट्स मैं हायर कर रहा हूँ उनकी फीस निकालनी है, मुझे मैंने एक टीम हायर करी है, डिजाइनर हायर करा हुआ है उसकी फीस निकालनी है, मैंने एक बंदा में भी हायर करा हुआ है पर मंथ में उसके पे कर रहा हूँ कि वो मेरा प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, उसकी फीस निकालनी है। मैं एक बात कह रहा हूं, तो आई मे नीड ठीक है, मेरी एक जॉब की इनकम आ रही है, उससे घर चला रहा हूँ, पीएल एक एसेट है, वो सेविंग है, वो मैं एसेट बनाऊंगा, उसको फ्लिप करूंगा, जो भी करूंगा, वो एक चीज अलग है। तीसरी चीज, मैंने एक ये भी सिस्टम चलाना है कि कुछ थोड़ी बहुत सेविंग भी हो जाए, थोड़ी बहुत साइड की, और साथ में मैं लोगों के तनख्वाहें वगैरह भी निकाल दूंगी, ये सारी चीजें करने के लिए। तो मैं एक काम और कर रहा हूँ। तो ये मैं बता दूं, जो लोग ये समझ रहे हैं कि ड्रॉप शिपिंग करके, वो सिर्फ ड्रॉप शिपिंग करके सिर्फ ड्रॉप शिपिंग से ही पैसा बनाएंगे, ऐसा नहीं है। वो अपनी सर्विसेज बेच सकते हैं अगर उनको ड्रॉप शिपिंग समझ नहीं आ रही। एक ड्रॉप शिपिंग स्टोर बनाने के आप आराम से $100 आराम से ले सकते हो, बहुत आराम से। $150 आप इनको छोड़ दो, $35 और ये सारे, ये देखें एक स्टोर बनाने के $800 ले रहा है ये, लेकिन ही बेसिकली, खैर ये मुझे लग रहा था फाइवर प्रो है, लेकिन ये फाइवर प्रो नहीं है। ठीक है, एक तो मैं पर्सनली समझता हूं एक बेसिक ड्रॉपशिपिंग स्टोर बनाने के विद नो प्लगइन्स, एक फ्री थीम के साथ आप आराम से $80 ले सकते हो, जस्ट इमेजिन। और आपको पर डे ऑर्डर्स मिलेंगे, पर डे के लिहाज से। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, इन दोनों के मैं दिखाता हूँ एक चीज। 2 orders इन क्यू, सही है, 7 orders इन क्यू $50 के। अगर स्टैंडर्ड का हिसाब लगा लूं तो यूजली आपको स्टैंडर्ड ऑर्डर्स मिलते हैं, क्योंकि बेसिक बकवास होता है, उसमें कोई चीज खास होती नहीं है। स्टैंडर्ड ऑर्डर के आपको, ये आई एम श्योर कि इसमें से 7 orders जो है ना, या 6 orders जो है वो स्टैंडर्ड है, और 2 orders प्रीमियम है। स्टैंडर्ड आई डोंट थिंक, बेसिक कोई भी नहीं ऑप्ट इन करता, ये सारे इसमें से 6 या 5 वो स्टैंडर्ड है, बाकी सारी प्रीमियम है। तो प्रीमियम आप इसका देखें $200 का है, तो आप इमेजिन कर लें, और ये पर डे के हिसाब से मिल रहे होते हैं आपको ऑर्डर्स। तो पर डे आप $100 बना रहे हो, तो बाय द एंड ऑफ द मंथ आप आराम से $3000 बना रहे हो। ठीक है, मैंने मैं बेसिकली फाइवर करा हुआ है, मैंने एक तकरीबन साल भर के लिए, लेकिन मैं इस पे सीरियस नहीं था, ये मेरी ओनली सोर्स ऑफ इनकम नहीं रही है, मैं फिर बता रहा हूँ। तो मैंने इस पे तकरीबन $14000 बनाए हैं। ठीक है, मैंने अब क्विट कर दिया, मैं अब नहीं कर रहा, मैंने बंद कर दिया, मैं अब एंटरटेन नहीं कर रहा, ये मेरे आखिरी फंड्स आ रहे हैं, बट आई एम नॉट डूइंग दिस एनी मोर। ठीक है, मैंने बहुत तरह तरह की सर्विसेज बेची हुई है फाइवर पे। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस फॉर द सेक ऑफ कन्वर्सेशन, कि आप शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग करके एक स्किल नहीं सीख रहे होगे, आप मल्टीपल स्किल सीख रहे होगे, कोई तकरीबन 3 या 4। ठीक है, बल्कि इनफैक्ट ज्यादा, 6 या 7 इनफैक्ट। फेसबुक एड्स अलग स्किल है, सबसेट स्किल की बात कर रहा हूं मैं, गूगल एड्स अलग स्किल है, शॉपिफाई स्टोर खड़ा करना अलग स्किल है, ओबर्लू से लिस्ट विनिंग प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखाता हूं। मैंने तकरीबन $3000 बनाए हुए जस्ट थ्रू हंटिंग विनिंग प्रोडक्ट्स, जो कि अब हम लोग का नेक्स्ट सेक्शन होगा। और हमारे पास इसी में लोग हैं जो कि अब ये काम कर रहे हैं, ये देख लें, विनिंग प्रोडक्ट्स की मेरी ये पूरी गिग है। ठीक है, सो या आप जो है विनिंग प्रोडक्ट्स हंट कर सकते हो। प्लीज फॉर गॉड सेक मैं बोल रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आके मेरे प्रोफाइल पे यहाँ पे जो है ना ऑर्डर प्लेस कर देते, सर हमारे लिए विनिंग प्रोडक्ट्स। मैं नहीं कर रहा ये काम, मैं नहीं कर रहा हूँ ये काम, मैं नहीं करके दूंगा विनिंग प्रोडक्ट्स हंट किसी को। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास कैपेसिटी नहीं है। अगर आपने मुझे दिया, मैं किसी और बंदे को आउटसोर्स कर दूंगा ये काम, मैं नहीं है कैपेसिटी। इस वजह से मेरे पास आके मैसेजेस मत कीजिएगा, मैं सब आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप क्या कर सकते हो। लोगों ने आके यहाँ पे मुझे ऑर्डर्स, स्टूडेंट्स ने आके मुझे जो है ना ऑर्डर्स देना शुरू कर दिए। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखे, आमिर, एजाज, तलहा, फहद, विच इज फाइन and I did entertain them, but मैंने ये काम आगे दे दिया। मैंने बोला मैं नहीं कर सकता, मेरे पास नहीं है इसकी कैपेसिटी। ठीक है, प्लीज आप लोग मेरे पास आके इस चीज के ऑर्डर्स मत दीजिएगा कि आप सर आप हमारे लिए कर दें। मैं ये काम नहीं कर रहा, मैं और जगहों की तरफ फोकस्ड हूँ। मैं अब ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मैं किसी और के लिए नहीं कर सकता। मेरे पास कैपेसिटी नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। तो इस वजह से आप लोग अपना टाइम नहीं वेस्ट कीजिएगा कि आप लोग मेरे पास आके इस चीज का वो ऑर्डर दे रहे हो। ठीक है, तो तीसरी चीज, आप ओबेल्डू से प्रोडक्ट्स लिस्ट करवाते हो अपने स्टोर पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो बाइंग सेक्शन में जाके। एक मिनट, सिर्फ ओबेल्डू लिखूंगा मैं, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि लोगों के यहाँ पे भी ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। एड फाइंड टॉप सेलिंग ओबेल्डू ड्रॉपशिप प्रोडक्ट्स इन शॉपिफाई। ठीक है, और फिर There's so much more. There's so much more. Facebook ads, Google ads, अलग अलग सबसेट स्किल्स हैं, अलग अलग गिग्स बेचना शुरू कर दी। सही है, तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ कन्वर्सेशन कि भाई ये चीज भी आप लोग कर सकते हो। तो सेइंग कि नहीं मेरे $500 तो नहीं बन रहे, देखिए ये आपके ऊपर है कि आपके $500 बन रहे नहीं बन रहे, ठीक है। विच पेमेंट मेथड ये बता चुका, इस $1,500 सफिशिएंट बजट टू एक्सपेरिमेंट? यस, काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि $1,500 इज गुड बजट, आई वोंट से बहुत अमेजिंग बजट है लेकिन इट्स गुड बजट, सही है। लेकिन याद रखिएगा जो भी बजट आप असाइन करते हो वो आप ये सोच के करो कि अल्लाह के हवाले ये पूरा पूरा खर्च होता है, मेरा एक भी पैसा नहीं मैं कमाता, ये मैं इसके ऊपर रोऊंगा नहीं, ये मैं सब अपने आप को भी बोल रहा हूं मैं, ठीक है। ये मैं अपने आप के लिए भी बोल रहा हूं, मैं भी ये जब लगा रहा होता हूं पैसा तो मैं ये नहीं बोलता कि नहीं मैं सही है, मैं आपको बेस्ट टेक्निक्स बताऊंगा, बेस्ट तरीके बताऊंगा, और जी आप बिल्कुल $500 से $800 कमा सकते हो विद दिस काइंड ऑफ बजट, बिल्कुल कमा सकते हो। लेकिन मैं आप लोगों को फिर एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि कभी कभी लोग अनलकी होते हैं, जैसे पीएल में कि आपके पास 100, मैं हर बिजनेस की बात कर रहा हूं, हर बिजनेस में क्या 100% चांस होता है आपके पास कि नहीं ये तो 100% सक्सेसफुल होगा? हर चीज में वो होता है ना, आप लोग के पास रिस्क होते हैं, तो इसमें भी रिस्क होता है। तो बस ये दिमाग में रखिएगा आप लोग कि हम मैक्सिमम नॉलेज लेंगे और फिर इंप्लीमेंट करेंगे, इंशाल्लाह आप लोग के पास वो चीज काम करेगी, ठीक है। आई गॉट क्लाइंट विद जनरल स्टोर एंड शी वांट मी टू मार्केट इट, शी हैज 1200 प्रोडक्ट्स अपलोडेड टू हर फ्रॉम हर फ्रीलांसर, शी वांट्स मी टू डू हर प्रॉफिट, ओके वेरी स्टबर्न लेडी वोंट लिसन, वुड यू सजेस्ट? आई वुड सजेस्ट डोंट वर्क विद हर। स्टबर्न लोगों के साथ आपने काम नहीं करना। फ्रीलांसिंग मैंने क्यों बंद करी है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फ्रीलांसिंग मैंने इसलिए बंद करी है क्योंकि फ्रीलांसिंग जब आप स्टार्ट करते हो ना, मैं आप लोग को एक ब्रदरली, एक भाइयों वाली एडवाइस दे रहा हूँ सबको। जब आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हो तो आप ये बोलते हो अपने आप से, मैं ये काम अगले 1-2 साल के लिए कर रहा हूं, मैंने पूरी जिंदगी नहीं करना। मेरे पास टोटल ऑर्डर्स जो इतने अरसे में आए हैं, जिससे मैंने तकरीबन $14,000 बनाए हैं, वो थे तकरीबन 344 ऑर्डर्स। लेकिन 14,000 में से $10,000 मैंने तकरीबन शायद 150 ऑर्डर से बनाए होंगे। लेकिन एक बात बता रहा हूं, 344 कस्टमर्स ऑलमोस्ट आप समझ लेते, 300 मैं कर लेता हूं क्योंकि इसमें रिकरिंग कस्टमर्स भी होते हैं। 300 कस्टमर्स से मैंने $14,000 बनाए। मैंने 300 कस्टमर्स में से मैंने अब उठाए 5 कस्टमर्स जो कि किसी तरह मैं बाहर ले आया हूं फाइवर से, और अब वो लोग मुझे बहुत अच्छी अमाउंट देते हैं मंथ ऑन मंथ, जितनी मुझे फाइवर से मिलती थी उससे भी शायद अच्छी, सही है। तो अब मैं जो ना उनके साथ काम करना शुरू हो गया हूं डायरेक्ट। आपका फोकस ये होना चाहिए कि मैंने लंबे अरसे के लिए काम करना है। मैं बता रहा हूं, मैं सर ये नहीं बोल रहा सब लोग इस बिजनेस मॉडल में है, मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूं कि फ्रीलांसिंग माइंडसेट वालों के लिए होना चाहिए कि एक अरसे के लिए हम काम करेंगे, उसमें से कुछ अच्छे कस्टमर्स निकालेंगे और फिर बस हम लोग उनके साथ अटैच हो जाएंगे, ठीक है। और फिर वो आप लोग को और कस्टमर्स भी लाके देते रहेंगे। फिर आई हैव टैग्ड यू फॉर अ क्वेश्चन रिलेटेड टू 2Checkout एंड डिलीवरी, व्हाट रिस्पॉन्स शुड आई गिव देम अगेंस्ट ईमेल? तो ये तो मैंने आपको सवाल का जवाब दे दिया। प्लीज सजेस्ट मी गुड सप्लायर डायरेक्टरी फॉर, ये आप लोग को आगे जाके मैं दे दूंगा, ये जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो ये जानते हैं और ये मैं आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। तो लेट्स स्किप दिस क्वेश्चन क्योंकि ये थोड़ा आगे का क्वेश्चन है। अच्छा, नेक्स्ट फाइनलाइजेशन के ऊपर थोड़ा सा आप लोग वेट कर लें, अभी इट्स वे टू सून। अभी हमारी तकरीबन 2 क्लासेज या 3 क्लासेज सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर होंगी, मेरे ख्याल से कम 2 तो होंगी। तो लेट्स होल्ड दैट थॉट राइट देयर, अभी हम लेट्स नॉट गो टुवर्ड्स दैट। तो आप लोग थोड़ा सा हेस्टी मत हो, मैं आप लोग को बता रहा हूं ना, लेट्स नॉट गेट टू हेस्टी अबाउट दिस। सर हाउ मेनी प्रोडक्ट्स यू विल बी अप्रूविंग फॉर Shopify स्टोर? मैं फिर वही बता रहा हूं कि मेरे ख्याल से अभी लेट्स होल्ड दैट थॉट राइट देयर, इट्स वे टू सून टू डिस्कस कि मैं कितने प्रोडक्ट्स अप्रूव कर रहा हूँ। देयर जब आप प्रोडक्ट्स की तरफ जाते हो तो आप Shopify स्टोर के ऊपर कोशिश करते हो कि एक आपका विनिंग प्रोडक्ट हो और फिर उसके उससे रिलेटेड आपके बाकी सर्विंग प्रोडक्ट्स हो। विनिंग प्रोडक्ट्स वो भी हो, कोई इशू नहीं है, आपके ख्याल से वो भी विनिंग प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन आपका ख्याल होता है कि यार मेरे ख्याल से इसके बिकने के चांसेस सबसे ज्यादा है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, देन फोर्थ, इस तरह करके, ठीक है। ये इसका भी जवाब दे चुका मैं आप लोगों को। डू वी हैंडल रिटर्न इन ड्रॉपशिपिंग मॉडल? Then again, ये आगे का क्वेश्चन है, मैं आप लोग सारे आगे के क्वेश्चंस कर रहे हैं बॉयज। मैंने आप लोग को बताया है कि आप लोग को सवाल अभी इस सेशन से रिलेटेड करना है, ये सारी चीजें मैं कवर कर रहा हूँ। आप रिटर्न्स हैंडल करना, एक सेकंड में काम करता हूँ, मैं इसका एक पोस्ट भी बना दूंगा ताकि आप लोग के लिए ये आसान हो जाए। रुकिए, म्यूट तो नहीं हो गया भाई? नहीं, बॉयज जितने भी बॉयज हैं मैं सबको बोल रहा हूँ यार, अपनी वीडियोस प्लीज ऑफ रखो, डिस्ट्रैक्शन होती है, ठीक है, सबको बोल रहा हूँ मैं ये बात। उफ, बहुत ज्यादा हो गया, मेरी नेक के लिए भी बहुत ज्यादा हो गया है। मैं एक सेकंड सवाल पहले जल्दी से कंप्लीट कर दूं। ओह, मैं गलत जगह आ गया। नहीं, प्लीज दो दो सवाल नहीं करें, सब लोग एक सवाल करें। करंटली आई हैव जीरो नॉलेज अबाउट ऑफ Shopify, विल यू ट्रेन अस? ऑब्वियसली आई विल ट्रेन अस, सब कुछ ट्रेन करूंगा आप लोग को। आधे से ज्यादा सवालों के जवाब अभी मिल जाएंगे। एक सेकंड जरा मैं पानी पी रहा हूँ। So I got a client with general students, ये बता चुका हूँ कि मैंने प्रोडक्ट्स बता चुका हूँ। My drop were not viable after products were not viable for a month. If there any timeline to follow a launch, बिल्कुल ये अच्छा। तो वही बात, ये मुझे लॉन्च स्ट्रेटेजी, मैं लॉन्च स्ट्रेटेजी नहीं, कुछ चीजें मुझे आप लोग के साथ शेयर करनी थी कि कट आउट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कब तुम्हें नेक्स्ट व्हेन टू ऑप्ट इन और शिफ्ट टू नेक्स्ट प्रोडक्ट। सही है, ये मैं सवाल लिख रहा हूँ, इनके जवाब मैं आप लोगों को दूंगा। डोंट वरी अबाउट इट। थोड़ा सा ऑब्वियसली चीजें अमेंड होती हैं हर सेशन में, वो मैं और अपडेट करूंगा। हाउ डू आई हैंडल रिटर्न्स, ये मैं आप लोग को बताऊंगा, और इसका भी मैंने अपने पास लिख दिया, लेकिन ये आगे हमारे पास ऑटोमेटिकली आ रहा होगा। इज ड्रॉपशिपिंग सो फ्लिपेबल? यस इट इज फ्लिपेबल। आई एम ऑल्सो एंगेज्ड इन एफबीए पीएल विद एनी लॉन्च। ठीक है, बिल्कुल यू शुड अलॉन्ग विथ Shopify एंड पीएल। यस यू शुड। ओपनिंग शॉप्स ऑन फेसबुक? यस आई विल इंशाल्लाह। थोड़ा सा आप लोग को वेट करना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि मैं पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कर रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। Standard dropshipping store, from where actually we can start this model. From where actually you can start this model. मतलब ये थोड़ा unclear question है. From where actually we can start this model. मतलब I don't understand. मतलब आप step 1 के बारे में पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी मुझे clarity नहीं है. How can we start Shopify from beginning? So obviously the step one is, मैंने आप लोगों को बताया अभी, make your PayPal account, वो प्रोसेस में डालो जल्द से जल्द जितना हो सकता है। You make your Shopify trial account. अभी all you need to do, मैं तुम लोगों को go walk through करा रहा हूँ Shopify dashboard के ऊपर, लेकिन आप लोग ने करना ये कि आप लोग ने वो जो पूरा डैशबोर्ड है उसको make use of it, start करो उसको use करना थोड़ा सा, लेकिन मैं तुम लोगों को फिर भी walk through करा रहा हूँ। तो that's step one, ठीक है। About the text, इसके ऊपर मैं आप लोग को बता दूंगा डिटेल में। सही है, लेकिन इसमें ये ईसी कम्युनिटी में भी हमने बहुत बार आंसर करा है इसका। ये फिर थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आई विल हैव दिस कवर्ड इन द नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह। तो आप लोग को इसका भी जवाब मिल जाएगा। पॉकेट और ओबेलो एट एनी टाइम। How can we know any X product has already got saturated? ये सारी मेरी जो अब next session है, जो कि winning products के ऊपर है, ये मैं सारा बता रहा हूँ। जो मेरे पिछले students हैं उनको पहले से पता है इस बारे में कि मैं काफी सारी चीजें cover कर चुका हूँ। Despite we have discovered एक मिनट, सही है। Despite our discovering first product, second, what are the best tools for product hunting? ये भी बता दूंगा, ये next session है इसके ऊपर। Third, any specific recommend course to understand Facebook ads? The only course that I would recommend you is to go through my course. I'm not saying मैं दुनिया का सबसे best हूँ, लेकिन मैंने budgets per month जो handle करें Facebook के, per month per day के, चले per month भी छोड़ दे, $2,000 $3,000 डॉलर पूरे साल मैंने handle करें, एक दिन का budget। सही है। मेरे अगर आप लोग सिर्फ अगर मेरे ये देखें जरा कि मेरे कितने क्लाइंट्स रह चुके हैं फेसबुक एड्स के, जिनके लिए मैंने ड्रॉप शिपिंग या किसी भी तरह के बिजनेस के फेसबुक एड्स चलाए हों, तो यू कैन सी द लिस्ट 67 मोर रिजल्ट्स। और ये सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जिनके लिए मैंने रन कर रहा हूं या कर चुका हूं। सही है। तो और या दैट्स प्रीटी मच इट। एक चीज मुझे और देखना, जरा एक सेकंड रुकना। या तो आई होप तो इन शॉर्ट में पर ईयर के लिहाज से देखो तो 3 से 4 लाख डॉलर मैं फेसबुक एड्स के ऊपर मैं नहीं खर्च करता, मतलब मैं फेसबुक एड्स के ऊपर मैंने बजट हैंडल करे हुए हैं। तो क्योंकि मैं एक डायरेक्ट रेलिवेंट सोर्स हूं तो उसके लिए मैं आपको बोलूंगा कि बेहतर है कि आप मेरी ही देखो, क्योंकि आप फिर रिलेट कर पाओगे एग्जांपल्स को। लेकिन कोई हर्ज नहीं है कि अगर आप लोग जाके यूट्यूब पे देखो, देयर पीपल जो कि आई एम श्योर जो इससे भी बड़े बजट से हैंडल कर रहे हैं, सिर्फ पर मंथ शायद $1 मिलियन भी कोई कर रहा हो, लेकिन मैं सिर्फ आप लोग को बता रहा हूँ ये बात। I heard dropshipping is a big risk for account suspension. Account suspension of what? Your store depends. अगर आप ट्रेडमार्क और कॉपीराइट कर रहे हो तो बिल्कुल इट्स रिस्क, अगर नहीं कर रहे तो नहीं है। आपका स्टोर की बात कर रहा हूँ। हाउ इट्स मोर गुड इफ वी कंपेयर फॉर अर्निंग पीएल एंड एफबीए। Shopify store, just Shopify store, not dropshipping for your PL and wholesale. Wholesale का I don't know, PL very good. The people who are doing it. Regarding Shopify, how it works and we compare with other. मैंने ये तो बता दिया आप लोगों को कि what to expect और ये मज़ीद और मैं probably discuss करूँगा. Expect $500 per month to $800, लेकिन depending on how much you're ready to invest. तो the ready to invest वाला aspect थोड़ा सा मैं आप लोग discuss कर चुका हूँ और ज़्यादा detail में आप लोग को बताऊंगा मैं। 1 सेकंड रुकिएगा। जी देखो अभी मैं आपके वाले सवाल पे आता हूँ। 1 मिनट रुकिएगा, मैं जरा 1-2 और सवाल सर्च कर रहा था, मैंने शायद मिस आउट कर दिए। लेट मी जस्ट गो थ्रू इट। देखो इट रियली डिपेंड्स। तुमने आप लोगों ने ये बोला कि ओबेरलो के थ्रू जो है ना ड्रॉपशिपिंग टाइम्स जो है वो ज्यादा है। ओबेरलो के थ्रू कोई भी ड्रॉपशिपिंग टाइम ज्यादा नहीं है। ओबेरलो इंटीग्रेट करता है अपने साथ विद हाउ मेनी प्लेटफॉर्म्स कैन ओबेरलो इंटीग्रेट। तो ये बेसिकली मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है देयर एटलीस्ट 4 to 5 हो सकता है, इन्होंने जो है ना इंक्रीज कर दिया। हाँ देखे तो ओबेरलो इंटीग्रेशन विद ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, सही है। ना 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 गलत हो गया ये, सही है। तो मुझे मैं चलेंगे आप लोग के लिए, मैं जस्ट फॉर द सेक के क्योंकि आप लोग ने सवाल करा है तो मैं इसको कवर कर दूंगा आप लोग के लिए, ठीक है। लेकिन मुझे आप ओबेरलो की कोई वो नहीं है, ओबेरलो कोई प्रोडक्ट्स नहीं बेच रहा। आप अगर ये वो समझ रहे हो कि ओबेरलो प्रोडक्ट्स बेच रहा है, ओबेरलो कोई भी प्रोडक्ट नहीं बेच रहा। ओबेरलो इंटीग्रेट होता है विद अली एक्सप्रेस एंड अदर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। उसकी लिस्ट आपको देखनी पड़ेगी किस किस के साथ हो रहा है। फिर आपको देखना पड़ेगा कि टर्न अराउंड टाइम टोटल एक प्रोडक्ट का पहुंचने का कस्टमर के पास कितना है। देयर सप्लायर्स ऑन अली एक्सप्रेस जो 7 दिन में भी प्रोडक्ट पहुंचाते हैं, ठीक है। लेकिन अब आजकल ई पैकेट एक बहुत बुरा, कोविड टाइम में जरा एक बहुत बुरा साबित हो रहा है बिकॉज ई पैकेट इज बेसिकली प्लेन डिलेज हैं, कैंसिलेशंस हैं, इतनी कुछ है, तो इस वजह से एक बहुत बुरा वो साबित हो रहा है। तो इस वजह से आई वुडंट रिकमेंड ई पैकेट ऑफ नाउ। मैं आप लोग को शिपिंग और इन सारी चीजों के ऊपर डिटेल्स दूंगा। और डेफिनेटली मैंने जैसे आपको बोला मेरे लिए तो ओबेरलो है। I've slightly used Pocket, मैंने कुछ हद तक यूज करा है। आई एम श्योर हो सकता है किसी का डिफरेंट एक्सपीरियंस हो, लेकिन आई वुड स्टिल से ouch ओबेरलो। Can we do dropshipping pandemic period? Yes you can. If yes then Chinese suppliers take 30 days time. तो मैंने तभी आप लोगों को बताया कि ई पैकेट के थ्रू आपको नहीं करना, ठीक है। यू कैन गो विथ CJ dropshipping। CJ dropshipping पे जाओ, सही है। CJ dropshipping और बहुत सारे में और भी आप लोग को वीओ है, लेकिन सीजे ड्रॉपशिपिंग की ज्यादा क्रेडिबिलिटी है, वहां पे जाओ, उनका जैसे ओबेरलो है, उनका अपना एपीआई है जो इंटीग्रेट होती है आपके शॉपिफाई के साथ, और उनके शिपिंग टाइम्स मेजॉरिटी प्रोडक्ट्स के लिए जो है 7 days to 5 days है, सही है, लेकिन प्रोडक्ट आपको उनके प्लेटफॉर्म से हट करना पड़ेगा, ये दिमाग में रखना, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा। Do we have a SEO session? Yes, we will have a SEO session, but SEO in Shopify is very limited. Obviously, there's on-site SEO and off-site SEO. On-site SEO के लिए मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ आप लोगों को। Off-site SEO आपके ऊपर है, आपको किसना करना है। Will you help us find and approve a product and help us build complete? हाँ, obviously I will इंशाल्लाह approve a product, ये मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा, yes. लेकिन ये मैं basically we are getting things structured. Okay, what's actionable steps? Actionable steps are make your Shopify account, get your payment method ready. I know थोड़ा सा time लगेगा उसमें, लेकिन get it ready as soon as possible. सही है, so you have to be little patient. All of you guys have to be little patient. सही है. Amar, can you integrate Shopify with Amazon? Yes, you can. This way, I mean, but उसमें कुछ चीजें थोड़ी सा ख्याल रखना पड़ता है. How many hours? We need to set aside for building Shopify store. Sorry. It depends. मुझे अगर आप बोलते हो कि एक पूरा फुल फ्लैश Shopify store बनाना है, बहुत अच्छा सा, बहुत जबरदस्त सा, तो मुझे सिर्फ 4 घंटे लगेंगे, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली अगर मैं पहली बार स्टार्ट कर रहा हूँ तो हो सकता है कि मैं आपको बोलता है कि यार मैं रोज 2-3 घंटे दूंगा और मैं आपको फिर 3 से 4 दिन में हैंड ओवर कर दूंगा फॉर Shopify स्टोर। तो इट डिपेंड्स कि आपका हाथ कितना साफ हुआ है Shopify स्टोर्स बनाने में। मैंने बहुत स्टोर्स बनाए हैं तो इस वजह से मेरा हाथ ज्यादा साफ हुआ है। पेपैल पर्सनल अकाउंट और बिजनेस अकाउंट। बिजनेस अकाउंट डू वी लर्न इंस्टाग्राम मार्केटिंग? 100%। मैं आप लोग को एक चीज दिखा देता हूँ जस्ट क्योंकि हमारी बात हो रही है, एक मिनट रुकिएगा। तो मैं सिर्फ एक चीज दिखा रहा हूं क्योंकि आपने ये सवाल करा है। कहाँ चला गया? या तो मैं बेसिकली कवर कर रहा हूं ये टॉपिक, सही है। This will be covered is somewhat in influencer marketing, plus इसमें भी मैं कुछ हद तक करूंगा, लेकिन in depth influencer marketing में करूंगा जो कि इसी का हमारा पार्ट है, तो वो आप लोगों का कवर हो जाएगा इंशाल्लाह, आप लोगों को समझ आ जाएगा। और Instagram ads भी obviously। अच्छा सॉरी, store is live with a recommendation for visitor sessions per day. नहीं, there is no recommendation, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। एक अजीब सी बात है, बहुत अजीब सी बात है जो मैं अभी आपसे करने जा रहा हूँ। Shopify स्टोर पे जब आप अंदर जाते हो, जहां पे आपका लिखा हुआ होता है कि आपका रेवेन्यू कितना रहा, यूजुअली बहुत अजीब सी बात बोल रहा हूँ, इसका कोई डायरेक्ट वो नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है कि नहीं 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 यही चीज है, लेकिन मेजोरिटी ड्रॉपशिपर्स ने एक चीज नोटिस करी है कि आपके टोटल विजिटर्स जो आपके शॉप पे होते हैं ना, आपके टोटल विजिटर्स और आपका रेवेन्यू टू सम एक्सटेंट थोड़ा थोड़ा क्लोज मैच कर रहा होता है। देयर इज नो प्रूफ टू दैट। हो सकता है आपने बिल्कुल कहीं बेकार जगह से ट्रैफिक लेके जा रहा हूँ, इररेलेवेंट लिंक्स क्रिएट कर रहा हूँ, तो वो इररेलेवेंट हो सकता है, लेकिन देयर इज नो प्रूफ टू दैट। लेकिन ये एक बिल्कुल हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ मैं, जिसपे आप लोग दिल में नहीं रख के बैठ जाइएगा कि नहीं ये तो इन्होंने बोला था तो हमारा जो है ना मैच नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये चीज काफी ज्यादा ड्रॉपशिपर्स ने नोटिस करी है इस तरह की चीज, बट देयर इज नो direct correlation of traffic with the revenue. Customer conversion के ऊपर भी मैं बात करूंगा, conversion optimization कैसे होगी। If I use the details like payment banks and address of my cousin, हाँ, इट्स सेफ इन पाकिस्तान। अगर आप पेमेंट मेथड अपने कजन का यूज कर रहे हो, पाकिस्तान से बैठे हुए आप ये सब कुछ कर रहे हो, आपको कोई भी मसला नहीं होगा। शॉपिफाई स्टोर आप आराम से चलाओ, कोई भी इशू नहीं है। इन ताहिर $1500 से $2000, गुड, यस, वेरी गुड। If I want to start Shopify store with investment of $500, give me proper time to set up a secondary income source and give me. देखिए $500 it depends कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो। जितना ज्यादा आप इन्वेस्ट करते हो उतने ज्यादा चांसेस आपके सक्सेस के होते हैं। बेसिकली Shopify जो पूरा बिजनेस है, Shopify with dropshipping या ड्रॉप शिपिंग जो बिजनेस है वो डिपेंड करता है आपकी सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के ऊपर, आपकी विनिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर। कितनी जल्दी आप निकालते हो, कितनी जल्दी आप स्प्लिट टेस्टिंग करते हो उनके बीच में, और कितनी जल्दी उनके बीच में आप रिजल्ट्स निकाल के कुछ कोई कंक्लूजन बना लेते हो। ठीक है कि हाँ ये चल रहा है और ये नहीं चल रहा। इट्स अ वेरी मतलब तेज प्रोसेस होता है, बहुत एजाइल प्रोसेस होता है ये। तो इट रियली डिपेंड्स कि आपका $500 में अगर आपको एक विनिंग प्रोडक्ट मिल गया तो कोई मसला नहीं। आपके वो $500 जो है ना, आपकी इन्वेस्टमेंट यूं ठक करके जाना, आपके वो $2000 में भी कन्वर्ट हो जाएंगे। नहीं मिला तो आपके पूरे $500 खर्च हो जाएंगे। मैं आपको देखे रियलिस्टिक दूंगा मैं आपको अप्रोच। मैं आप लोग को वो नहीं दूंगा कि मैं जो ना पीछे गाड़ी के साथ खड़ा हो जाऊं, लैम्बोर्गिनी के साथ, मैं बोलूं ये देखो मैंने कितना बना लिया है। मेरा इसमें सिर्फ फायदा ये है कि जब आपको फायदा हो, मेरा फायदा तब है जब आपको फायदा हो, मतलब मैं खुश हूंगा अंदर से। तो आई विल डू व्हाट आई कैन टू गाइड यू गाइस अकॉर्डिंगली। सो आई मेड अ स्टोर, कैन यू प्लीज गिव एक्सपर्ट रिव्यू? प्लीज ये आप मुझे बिल्कुल दे देना, लेकिन यू हैव टू वेट। मुझे प्लीज मैसेंजर में मैसेजेस मत करना, मैं मैसेंजर मैसेजेस नहीं चेक करता। तुम लोग को मुझे डायरेक्टली ईसीबीसी कम्युनिटी में रीच आउट करना है। अब आप लोग बोलोगे सर लेकिन फिर भी कुछ तो बात आप पर्सनल करते हो, ये करते हो वो करते हो, तो कैसे करें? उसके लिए हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे हैं। आई नो 2 महीने के लिए आई वॉज टोटली ऑफ फ्रॉम ईसी, मैं कुछ भी नहीं कर रहा था ईसी में। मैंने बोल दिया था आई एम रिकवरिंग, आई एम स्टिल रिकवरिंग। लेकिन ये अब ये मुझे लगता है कि ये I don't know, unfortunately, मुझे लगता है कि ये मेरा मसला जो है तकरीबन बहुत अरसे चलेगा। लेकिन बस यही है कि I have to control it as much as I can। एक सेकंड, कॉल आ रही है मुर्तजा की। हाँ मुर्तजा, हाँ बस रैप अप कर रहा हूँ मैं। ओके ठीक है ना, सॉरी गाइज, नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने वाला है तो जल्दी रैप अप करना है, तो मैं शॉर्ट प्लीज। और सवाल नहीं भाई, प्लीज और सवाल नहीं यार, और सवाल नहीं मेरे सामने। अभी ये विच टूल्स टू यूज ड्रॉपशिपिंग एंड प्रोडक्ट हंटिंग, डिलीट कर रहा हूं मैं सवाल को। मैंने आपको बता दिया है इस सवाल का अभी तो जवाब दिया है मैंने। मुझे समझ नहीं आ रहा आप लोग एक बार सवाल, एक ही सवाल बार क्यों करे जा रहे हो? तो मैंने बोला है नेक्स्ट सेशन आने वाला सेशन। इट्स रियली रिडिक्युलस क्या एक ही सवाल बार बार। आप लोग सुनो तो सही, आप लोग के सवालों के जवाब ऊपर से देते हुए आ रहा हूं मैं। ये तो मुझे पिछले सेशन जो पिछला बैच था वो खुद बोलते थे कि सर हम आपने सवाल एक्चुअली उसका दे दिया, तो यार डिलीट कर दो अपना सवाल, जैसे बहुत सारे लोगों ने करा हुआ भी है। और वही सवाल फिर बाद में, अगर आप कहीं गए हुए थे, आप खाना खा रहे थे, ये मेरा तो हेडेक नहीं है ना, आप लोग सुनो तो। एक सवाल का जवाब मिल गया। कैन यू स्टार्ट डीएस बिजनेस एंड क्रिएट ऑल अकाउंट सेटअप एक्सेट्रा फ्रॉम पाकिस्तान? ओके या ओके सर, ये मैंने ये बता दिया था, इसका भी सवाल मैंने जवाब दे दिया था। So that's pretty much it. If we hire someone DS product hunting, is there a criteria that we should follow? Yes, you should follow. Or yeah, how can I launch a DS in Australia? Build in the same way, like I'll teach you. There's no difference. और product hunting के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये मैं आपको next इंशाल्लाह next session में probably मैं cover कर रहा हूँगा। When we have other payment gateways like Stripe, PayPal, and why should we go with 2Checkout? तो मैंने आपको बोला तो है कि नहीं यार, ये अब आप लोग खुद देखो। मैंने आप लोगों को बोला है हटा दो सवाल या बता दो कि भाई ठीक है कवर्ड हो गया जो भी। ये सवाल का जवाब मैंने आप लोगों को खुद दिया है कि भाई पेपल स्ट्राइप मैं खुद बोल रहा हूँ आप लोग से। आई एम फ्रॉम लास्ट बैच सेशन ऑफ द एड कैंपेन इंशाल्लाह जी। शर्जील राइट, शर्जील मैं इंशाल्लाह इसको बहुत जल्दी कवर कर लूंगा। मैं खुद वीडियोस निकाल रहा हूँ, लेकिन डिपेंडिंग है मैं कितनी देर। मुझे डॉक्टर ने मना करा हुआ है कि आप 1 घंटे से ज्यादा नहीं बैठ सकते क्योंकि मेरे मोहरों का मसला है। सही है सर भाई, मैं अभी जिस तकलीफ में बैठा हूं मैं ही जानता हूं, तो मैं लगातार नहीं बैठ सकता और मेरे पास काम इतना है कि मुझे लगता है कि जैसे 24 घंटे भी काम है। तो इस वजह से मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि मैं एक्सटेंडेड आज जितनी देर बैठ सकता हूं। 1 घंटे का बोला मैं, फिर भी 2 घंटे बैठता हूं। अभी मैं आप लोगों को कितनी देर से पढ़ा रहा हूँ, जबकि मैं चाहता तो एंड कर देता। तो यही बात है कि मैं कवर कर रहा हूं मैं इंशाल्लाह स्पीड से और करता रहूंगा इसको। आई एम फॉर वेटिंग फॉर सेशन, सॉरी हो गया यूट्यूब एड्स, ये भी कवर करूंगा बिल्कुल, लेकिन यूट्यूब एड्स हमारा फेसबुक इसका सेशन नहीं होगा प्रॉब्लली, मैं इसमें कवर नहीं करूंगा। यूट्यूब एड्स से आपके पास सेल्स नहीं आएंगी, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। यूट्यूब एड्स आर बेस्ट फॉर ब्रांड अवेयरनेस। सर बीबीसी वीडियोस एंड स्टार्ट प्रोवाइडिंग फाइबर सर्विसेज, इज इट ऑल गुड? इट्स ऑल गुड आइडिया, अमेजिंग आइडिया, गो फॉर इट। सही, you have all my support. Also, when do you teach Facebook ads? Is it helpful? बिल्कुल, it will be super helpful in PL as well, inshallah. सही है. How can we get local suppliers and how can we find warehouse fulfillment agents so we can deliver 2 to 3 days? How can we get local suppliers? अच्छा, इसका भी सवाल का जवाब फिर वही बात है कि बहुत सारे, it's okay, it's completely understandable. You guys are enthusiastic and अच्छी बात है enthusiastic होना, आगे आके सवाल करना, और आप लोग के सवालों के जवाब आगे later sessions में हैं। Local suppliers and how can we get warehouses fulfillment so we can deliver 2 to 3 days? What do you mean by local suppliers? I can guide you on getting suppliers from CJ dropshipping and बहुत सारे दूसरे हैं जो 5 से 7 दिन में कर देते हैं, 2 से 3 दिन में। I don't know, honestly, this is not my area of expertise. Maybe आप CJ dropshipping वालों से बोलो कि मुझे 2 से 3 दिन में deliver करना है, तो maybe वो आपको कोई ऐसा solution दे दें। Can we connect with another ad manager to our page whose ad manager already to our page whose ad manager? हाँ, आप कर सकते हो ये, लेकिन इसमें कुछ और restrictions भी आपको देखनी पड़ेंगी कि आपके पेज के ऊपर कोई restriction ना पड़ी हुई हो। How or from where can you have your videos? Do you have videos on ManyChat too? No, I don't have videos on ManyChat, but I would love to create some. मैं कोशिश करूँगा कुछ नया ad content भी add करूँ। रुकेगा। And how or ManyChat will this session be uploaded on BBC? I don't know. I think इस तरह का ही session पहले से upload हुआ है, तो I don't think ये होगा, लेकिन I'm not too sure. Maybe हो जाए, probably हो जाएगा। What are the alternatives of AliExpress? There's so many, और मैं आगे सारे discuss कर रहा हूँ, ठीक है? No more question, please. Thank you so much. Old videos of BBC are all good. Start Shopify. Old videos are also very good. If you want to go थोड़ा सा आगे बढ़ के तो कर लो, वरना मेरे live sessions लेते रहो, और या ये कर लो कि मेरे sessions पहले से देख लो, मतलब it's all up to you. और फिर उसके बाद आप लोग वापस आके, लेकिन मैं updated content हर वक्त update करता रहता हूँ अपना content, और अभी भी कर रहा हूँगा, तो ये it really depends on you. Thank you so much. Thank you so much. And inshallah जी please. मैं जानता हूं कि मैं कितना ज्यादा चाह रहा होता हूं कि मैं अच्छा कंटेंट दूं, और मैं ये जानता हूं कि पिछला कंटेंट जो मिस हुआ था मैं कितना ज्यादा उसको कवर करना चाह रहा हूं। मैं बात जानता हूं, प्रॉब्लम मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता, लेकिन प्रॉब्लली अगर आप लोग ये चाहते हो कि सारी चीजें विद टाइम हो जाए, प्लीज प्रे फॉर माई हेल्थ, बिकॉज आई एम रियली फ्रस्ट्रेटेड एंड टायर्ड ऑफ दिस स्टूपिड सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। तो खैर, I'll end off over here. आप लोग स्टार्ट ऑफ करो जब मैंने आप लोग को पॉइंटर्स दिए, और इंशाल्लाह फिर मैं I'll get back to you guys इंशाल्लाह, ठीक है? Okay then guys, Allah Hafiz, take care, I'm off then.